हेलो एवरीवान फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेन्स भाई कंग्रेचुलेशन क्यों क्योंकि आपने एक नई जर्नी में स्टेप इन किया है यू हैव क्लर्ड फाउंडेशन विच रिक्वायर्स ग्रेट कारेज एंड एफर्ट बट पिक्चर अभी बाकी है एक बहुत बेहतरीन सी जर्नी आपका वेट कर रही है आगे एंड ये ना जमीन आसमान का अंतर है सी ए फाउंडेशन का अप्रोच और सी एंटर का अप्रोच बहुत ज़्यादा अलग होता है तो ऐसे में अप्रिहेंशन बहुत ऑब्वियस होते हैं मैम ये तो हो गया अब बहुत सीनियर्स ने डराया भी हुआ है किसी से बात करते हैं यार सी ए तो बहुत डिफिकल्ट है तो अभी तो हम इंटर में आए हैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्लास का क्या करना चाहिए तो बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले कुछ बेसिक से डिटेल्स अबाउट माय लॉ क्लास जो आपके लिए जरूरी है मेक एंड राइट तो हमारा सी इंटर लॉ का जो नया सिलेबस का बैच है इट इज रेलिवेंट फॉर सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर एंड जन ट्वेंटी फाइव एग्जामिनेशन ठीक है मैम क्या हम ये पढ़ेंगे तो हमें स्टडी मटीरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है द आंसर इज येस आपको वो पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है देखो कई बार बच्चों को लगता है हम स्टडी मटेरियल होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस और हम लोग भी यही आपको बोलते हैं यार स्टडी मटेरियल इग्नोर मत करो मत करो मत करो तो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव टाइम आपका मन कर रहा है बुक की तरह पढ़ने का पढ़ लो बट द वे वी डिज़ाइन बुक्स हम स्टडी मटेरियल की हर एक चीज को एक स्ट्रक्चर्ड मोर ऑर्गेनाइज एंड मोर सिम्पलीफाइड मैनर में लिखते हैं दैट डजेंट मीन व चेंज इन द लैंग्वेज नो कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ लॉ ठीक है तो लॉ तो भाई जैसा है वैसा ही मैं भी आपको पढ़ाऊंगी और वैसा ही मैं आपको याद भी कराऊंगी विद द की वर्ड सो दैट यू आर एबल टू राइट द सेम एंड गेट मोर मार्क्स तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी बढ़ती है उससे हम ऐसे नहीं कि एक एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में लिख दिया है मैम नहीं हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं ठीक है स्ट्रक्चर करते हैं इन अ वे वी द लॉन्ग पैराग्राफ्स रिटर्न इन स्टडी मटीरियल बुक ठीक है तो हम क्या करेंगे उसको ये पर्टिकुलर पैर रिलेट्स टू दिस पॉइंट सो वी हैव सब हेडिंग्स वी हैव अ टॉप टैब्युलर प्रेजेंटेशन जिसमें हमारी मेन बुक डिजाइन होती है ठीक है मैं आपको बुक्स के बारे में पहले बता देती हूँ सो वी हैव दीज थ्री बुक्स जो फिजिकल हार्ड कॉपी आपके पास जाएगी पहली मेन बुक ठीक है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी सेकेंड इज द क्वेश्चन बैंक नाउ दिस क्वेश्चन बैंक इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो तो मतलब जो बच्चों को होता है ना और क्योंकि हर बच्चा एक अलग पेस पे पढ़ाई करता है तो अगर हम टेस्ट को शेड्यूल करते हैं सिस्टम तो थोड़ी चीजें अलग होती हैं राइट right? तो इसलिए मैम हम कैसे खुद से करेंगे अरे भाई तुम देखो तो सही टेस्ट सीरीज में हमने इस तरीके से आपको आंसर दिया है ना मैंने कि आपको देखिएगा अच्छा आई हैव रिटन दिस ओके आई डिजर्व वन स्टेप मार्क तो यू लर्न हाउ द इवेल्यूएशन प्रोसेस इज डन वी अफकोर्स इज सजेस्टिव स्टेप मार्किंग बट देन दिस गाइड यू एंड हेल्प्स यू इम्प्रूव अ लॉट तो टेस्ट सीरीज मैम मतलब क्या है चैप्टर वाइज है ये yes, कभी एक चैप्टर की है कभी दो चैप्टर को क्लब करके उसकी पूरी इंडेक्स है प्रॉपर उसके हिसाब से आप अपने आप को एंकरेज कर सकते हो और उसको अपियर कर सकते हो ठीक है सो इट इंक्लूड्स द टेस्ट सीरीज ऑल्सो थर्ड वन इज चार्ट बुक राइट तो शिवांगी मैम की चार्ट बुक तो के बारे में शायद आपने कभी सुना होगा तो एग्जॉस्टिव मैनर में चार्ट बुक मैंने बनाई है एंड दैट हेल्प्स यू ट्रेमेंडसली टू रिवाइज योर लॉ इन अ कंसाइज मैनर बिकॉज हर समय हम पूरी की पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते है ना तो जो हमें की चीज़ें याद करनी होती है उसके लिए यार बहुत ज़बरदस्त हेल्प करती है तो ये तीन बुक्स आपके पास जाएंगी नथिंग इल्स टू बी डन अपार्ट फ्रॉम द क्लासेज इन बुक्स विच आर गिवन टू यू मैम अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स आपको यहीं यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे 100 मिलेंगे इफ एनी कम्स लेटर ठीक है तो फिलहाल तो अमेंडेड ही है, है ना तो पहली बात ये दूसरी बात मैम जैसे आर टी पी वगैरह इंस्टीट्यूट लेके आती है तो उसका क्या सब कराऊंगी नहीं आप क्यों चिंता कर रहे हो तो इफ एनी थिंग मतलब एक क्वेश्चन भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत है तो यहाँ पे मैं आपको कराऊंगी राइट right? जो हमारे क्लासेस होते हैं जस्ट द वे आई एम स्पीकिंग राइट इट इज मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश तो भाई ऐसा ही हमारा बैच भी होता है दो बैच के ऑप्शन हैं पहला है रेगुलर दूसरा है एग्जाम ओरिएंटेड विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फास्ट ट्रैक यूजली क्या होता है रेगुलर बैच जैसे अगर हमारा वन हंड्रेड एंड फोर्टी आवर्स का है तो जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है उसको कहीं सिक्सटी सेवेंटी आवर्स में रैपअप कर देते हैं बट मुझे इनजस्टिस लगता है बिकॉज देर आर सर्टन फेमा लाइक देर आर सर्टन कंसेप्ट ऑफ बेसिक्स लाइक जो यार <coughs> अगर आपको नहीं पता है तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है ना तो पढ़ाई वैसे तो जितनी शिद्दत से और जितनी डिटेल में पढ़ो उतना अच्छा होता है हाँ इतना भी नहीं बह जाना है भाई और सब्जेक्ट्स भी हैं कवर करने के हम 400 घंटे एक ही सब्जेक्ट में लगा रहे हैं तो अगर किसी के पास भी टाइम है आई वुड सजेस्ट रेगुलर बैच पढ़ो पर अगर टाइम नहीं भी है तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के आप स्पीड वॉच भी कर सकते हो आपकी जबरदस्त कंसेप्ट बिल्डिंग होगी बिकॉज जहाँ पे इंट्रिकेट चीजें आती हैं जहाँ पे डिफिकल्ट चीजें आती हैं वहाँ पे मैंने भगाया नहीं है तो आराम से तबियत से पढ़ाया है ठीक है तो मैम आपसे कांटेक्ट कैसे करें है ना तो मुझे पता है मेरे बच्चों को हर स्टेप पे शायद मेरी ज़रूरत हो समटाइम्स इमोशनल ज़रूरत भी होती है कि यार मैम आज बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है तो मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो ठीक है यार आप भी उस स्टेज में हो एंड वी आर हेयर टू मैंटर यू ओनली तो डाउट सपोर्ट जो है उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा अफकोर्स वांस यू एनरोल इन द कोर्स राइट एंड यू कैन सेंड योर क्वेरीज ओवर एअर Obviously आप मैसेज या वॉइस नोट भेजते हो एंड आई respond इन द सेम मैनर However, if इफ नीडेड तो आई गिव यू आर कॉल ठीक है तो कॉलिंग फैसिलिटी उसमें अवेलेबल uh, नहीं होती है ठीक है अनलिमिटेड व्यूज़ हैं जितनी मर्जी उतनी बार देखो कोई भी टेंशन नहीं अरे मैम व्यूज़ खत्म हो रहा है ये सब कोई भी टेंशन नहीं है वैलिडिटी आप जबकि खरीदोगे तब का आपको मिलेगा इफ यू आर बाइंग द कोर्स फर सेप्टेबर 24 तो सेप्टेंबर ट्वेंटी तक का अगर जैन ट्वेंटी तक का ले रहे हो तो जैन तक का मैम किस पे सपोर्ट करेगा विंडोज़ एंड्रॉयड एंड आई ठीक है तो आई या आई है तो उस पर भी आप चला सकते हो राइट वॉट यू हैव टू डू इज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट बुक माई वीडियो डॉट इन और यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर ऑल्सो ठीक है अब रही बात मैम क्या हम जेल कर पाएंगे बिकॉज सब टीचर अच्छा पढ़ाते तो अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी बन रही है तो उसके लिए भईया आप देख सकते हो इनिशियल फ्यू क्लासेस हम अपलोड कर देंगे दो तीन चार है ना तो वो कोई अलग से डेमो नहीं हमारे क्लास का ही हिस्सा है सो हियर इट गोज एंड वी बिगेन राइट थैंक यू ओके सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ सी ए इंटर लॉ सी ए इंटरमीडिएट के इस कोर्स स्ट्रक्चर से आप सब अवेयर हो इट इज डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स paper अबाउट ग्रुप वन ग्रुप वन है हम डिस्कशन करने वाले हैं और पेपर थ्री है आपका टैक्स पेपर टू की तरफ अगर बढ़ें तो इसका नाम इंटैक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़। नाम ही सजेस्ट करता है कि ये जो पूरा का पूरा, पूरा पेपर है ये दो पार्ट में है एक इसमें कॉरपोरेट लॉस हमें पढ़ने हैं और एक इसमें कुछ अदर लॉस पढ़ने हैं कॉर्पोरेट लॉस आपका 70 मार्क्स का आता है और अदर लॉस कितने मार्क्स का आता है कितने मार्क्स का आता है 30 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ जो सेवेंटी मार्क्स का है इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट अब हमको नहीं पढ़ना है हमको क्या पढ़नी है एक एल एक्ट भी पढ़नी है ठीक है तो एल एक्ट और कंपनीज एक्ट है ना और अदर लॉज में हमें क्या पढ़ना है तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं फेमा जनरल क्लॉजे एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट कैसा लग रहा है देखने में आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है देखने में तो आसान ही लग रहा होगा इसमें डिफिकल्टी क्या है लगभग 900 हंड्रेड पेजेस का ये स्टडी मटीरियल बनता है एंड ट्रस्ट मी वेन आई से नाइन हंड्रेड पेजेस इट इज ऑल अबाउट लर्निंग दोज पेजेस ये अकाउंट्स या टैक्स नहीं है कि 900 हंड्रेड पेजेस अगर मैं कह रही हूं तो उसमें से 400 सौ पेजेस तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही होंगी 400 तो मैं बहुत कम ही कह रही हूं ये लॉ है बेटा इट्स ऑल थ्योरी ठीक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भर भर के है बट अल्टीमेटली यार याद करोगे लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा तो इसको लाइटली तो बिल्कुल भी मत लेना ट्रस्ट मी दिस इज ह्यूज बहुत एक बड़ा सा टारगेट है जो हमारे आगे है जिसको हमें एक्चुअली में क्रैक करना है कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में आप लोगों को पता है कितने सेक्शन है हाउ मेनी सेक्शन इन कंपनीज एक्ट किसी को आइडिया है हाँ लग रहा है आप लोगों को हाँ फोर सेवेंटी सेक्शन मेरे को लगभग समझ में आया आइडियली पूछो तो फोर सेवेंटी सेक्शन नहीं है आइडियली हमारे कुछ फोर एटी थ्री एटी फोर ऐसे करके कुछ सेक्शन जाते हैं बिकॉज बहुत सारे अमेंडेड सेक्शन एड भी होते हैं सेक्शन थ्री ए एड हुआ सेक्शन टेन ए एड हुआ तो बहुत सारे सेक्शन एड होते हैं ना तो आइडियली सेक्शन ज्यादा ही है बट ठीक है चार सौ सत्तर सेक्शन क्या सारे पढ़ने हैं नाजुक सा दिल हमारा क्या सह पाएगा लॉ का दर्द बेचारा नहीं एकदम नहीं हमें कितने पढ़ने हैं 148 तक सेक्शंस पढ़ने सेक्शन नंबर वन हैव एन चैप्टर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एक और चैप्टर कौन सा इनकॉर्पोरेट हुआ है हमारा एक और चैप्टर हमारा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है आई थिंक मैं आपको चलो कोई नहीं यहीं पे लिखती हूँ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पूरा का पूरा चैप्टर है सेक्शन थ्री सेवनटी नाइन से लेकर है तो पढ़ने हैं कंपनी प्रेशर मतलब अभी फिलहाल सुनते जाओ बस आई होप यू ऑल आर सिटिंग विदी एंड पेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है और उसके बाद ही हम शुरू कर सकते हैं राइट चल तो लॉ का ये जो पेपर होता है इसमें स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्यों स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है मैं सच्ची बता रही हूं आपको अकाउंट्स में आप बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ोगे ना आप आराम से अस्सी नब्बे ले आओगे क्यों क्योंकि करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना क्या दिक्कत है अरे चार सवाल किए हैं इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो वो हो ही जाएगा लॉ में नहीं हो पाएगा लॉ में कैसे होगा लॉ में क्या जरूरी है पहले पढ़ा है किसी ने लॉ फाउंडेशन में पढ़ा है ना और बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं पढ़ाओ है ना पर अगर फाउंडेशन में पढ़ा है तो क्या आपको आइडिया है कि लॉ को कैसे हमको पढ़ना चाहिए सुनने में बात अच्छी लगे या अच्छी ना लगे सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड लॉ okay. सेकेंड इज यू हैव टू लर्न लॉ टीप टिप के पास हुए हैं मैम वेरी गुड तीसरा रिवाइज करना है चौथा लिखना जरूरी है राइटिंग और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रेजेंटेशन भाई पता होनी चाहिए पांचवा आपके बिफोर एग्जाम्स आप कैसे रहते हो हाउ इज योर माइंड हाउ इज योर वर्किंग एंड ऑफकोर्स दी इतना प्रोसेस होता है हमारा लॉ में समझाने की जिम्मेदारी हंड्रेड परसेंट मेरी ठीक है याद करने की जिम्मेदारी किसकी हंड्रेड परसेंट आपकी इसको बांट लेते हैं ठीक है कुछ जिम्मेदारी मेरी कुछ आपकी क्लास में आप अगर प्रॉपरली अटेंड करोगे तो फोर्टी परसेंट कंटेंट तो आपको याद हो जाएगा ठीक है एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए फोर्टी कभी मत बोलना यू नीड फोर्टी मार्क्स टू पास एग्रीगेट में कितने चाहिए फिफ्टी कितने चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए तो कभी भी पासिंग मार्क्स को फोर्टी मत समझो पासिंग मार्क्स को हमेशा कितना समझना है फिफ्टी ठीक है तो फिफ्टी मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए पर हमारा टारगेट कितना है हमारा टारगेट है एट्टी प्लस मिशन लॉ 80 प्लस दैट इज आवर टारगेट और हम इसी के लिए काम करेंगे हाँ कुछ बच्चे ना एमसीक्यू की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं कि मैम हम तीस नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे उसमें तो तीस में तीस आ गए और बाकी हम क्या करेंगे सत्तर में बीस पच्चीस भी आ गए तो अपनी नैया तो पार हो जाएगी तो नैया पार लगाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं ठीक है वी हैव अज टारगेट टू मीट एंड वी विल मीट दैट राइट तो लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो क्लास में होगा प्लस आपको जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी आप वैसे वैसे करते जाओगे तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा ठीक है ये बिफोर एग्जाम्स आई विल बी विद यू द डे में मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये जो लास्ट वाली जिम्मेदारी है ये हंड्रेड परसेंट आपकी है फर्स्ट वाली जिम्मेदारी हंड्रेड परसेंट मेरी है बीच की जो जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ये जिम्मेदारियां है, हम लोग क्या करेंगे बांट लेंगे ठीक है क्लियर आवी थ्रू विद द कोर्स स्ट्रक्चर कि हमें क्या पढ़ना है कुछ भी करने से पहले पता तो होना चाहिए ना करना क्या है किस वाले हम समंदर में डूब रहे हैं चलो ठीक है ये बिल्कुल क्लियर है अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूं कि भाई आपकी बुक्स कैसी रहेंगी हाउ विल दिस असिस्ट यू दिस इज माई डियर आर मेन बुक जिसमें सबसे पहले आपको दिख रही होगी सेक्शन समरी और उसमें कहीं कहीं दिख रहा होगा स्टार मार्क ये स्टार क्या है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्या है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे ना वैसे वैसे आपको लगेगा यार में हम सारे सेक्शन याद कर रहे हैं इतने सेक्शन नंबर हम कैसे याद कर पाएंगे इस सारे के सारे सेक्शन टू हैं इंटरनली इसके क्लॉजेस भी याद कर रहे होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी द हार्ड बुक वुल नॉट बी कलर्ड और इसमें एज सच बहुत ज्यादा कलरिंग यूज भी नहीं है इसका कुछ करना नहीं है ठीक है फिलहाल आप देखो देअर द बुक कंप्राइजेस ऑफ और द सेट कंप्राइजेस ऑफ थ्री बुक्स वन इज द मेन बुक जो मैं आपको दिखा रही हूं जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा देर आर अ अड ऑफ एक्स्ट्रा शॉर्ट ऑल्सो क्यों क्योंकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन उठता है कंफ्यूजन कैसा एक गवर्नमेंट कंपनी है सब लोग फोकस सोच समझ के मेरे को बताना एक गवर्नमेंट कंपनी है क्या वो प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है बताओ पढ़ा है ना थोड़ा बहुत तो पता है ना देखो एक यूनानिमस आंसर आ रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा पब्लिक होती है और कोई बोल रहा है नान। कोई बोल बोल रहा रहा है है डिपेंड्स ऑन द ओनरशिप गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है देखो फुल ऑफ कंफ्यूजन इट इज मान लो यूपी गवर्नमेंट है ठीक है और बिहार गवर्नमेंट है ये दोनों मिलके सोचते हैं कि हमको एक कंपनी बनानी है ठीक है उन्हीं दोनों के पास ओनरशिप है ये पब्लिक कंपनी क्यों बनाएंगे अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो कंपनीज एक्ट में कंपनी तीन तरीके के से फॉर्म होती है प्राइवेट पब्लिक या ओपीसी बस गवर्नमेंट कंपनी भी या तो पब्लिक होगी या तो प्राइवेट होगी समझ रहे हो आप मेरी बात अभी जब मैं पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा बट वट आई मीन टू से इसके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं जो बच्चों के मन में भर भर के आते हैं पर वो कंपनीज एक्ट कभी क्लियर नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या है उसके लिए आप एकदम नीचे जाओगे तो आपको और कुछ मिलेगा ये देखो ये हैं कुछ एफे बच्चों के मन के जो कंफ्यूजन होते हैं उनको क्लियर करने के लिए छोटे छोटे ठीक है ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं Um, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने दिए हैं एंड दिस इज ऑल द सेट ऑफ डेफिनेशन दैट वी हैव टू रीड इन द फर्स्ट चैप्टर मैम क्या स्टडी मटेरियल हमको पढ़ने की जरूरत है द आंसर इज नो स्टडी मटेरियल की हर एक चीज इसमें इनकॉर्पोरेटेड है इनफैक्ट इसमें आपको दो चार चीजें और मिलेंगी पर उसको मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स करके लिखा है तो जब एग्जाम के टाइम आप उसको रिवाइज करते हो तो उसको आप स्किप कर दोगे ठीक है समझ में आई बात तो ये पहली हमारी मेन बुक थी दूसरे आते हैं हमारे चार्ट चार्ट का क्या रोल होता है चार्ट कैसे हेल्प करते हैं हम कलरफुल लगते हैं सुंदर लगते हैं छोटे लगते हैं समरी रिविजन है ना एक कंफ्यूजन और 900 हंड्रेड पेजेस याद हो सकते हैं क्या हम्म, बहुत मुश्किल है याद करना तो याद क्या करेंगे मैम या तो हम इन चार्ट्स को याद करेंगे विच आर अट्रैक्टिव विच हेल्प आस टू रिटेन या फिर अगर आप गो बैक टू द मेन फाइल तो यहां पे मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की हुई हैं क्या अंडरलाइन किया हुआ है दीज आर द कीवर्ड्स दैट आई हैव अंडरलाइंड जो बच्चे बोलते हैं ना मैम लॉ में लिखें कैसे लिखें कैसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में लिख लो इट्स जस्ट द कीवर्ड दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड तो कुछ चीजें मैंने और अंडरलाइनिंग की हुई है ठीक है ये हमारे चार्च हो गए तो पहला मटेरियल मेन बुक दूसरी मटेरियल चार्ज और तीसरा है हमारा क्वेश्चन बैंक ये क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक को सेग्रीगेट किया हुआ है अगेन मैंने सेक्शन वाइज ठीक है इट आल्सो कंटेन्स ऑल द पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहां पे इनकॉर्पोरेटेड है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं वी हैव सम नॉर्मल क्वेश्चन वी हैव सम समुदू क्वेश्चन एंड वी हैव सम फायर क्वेश्चन समझ में आई बात तीन सेट ऑफ क्वेश्चन हैं ये फायर क्वेश्चन था और मैं एक थोड़ा सा फुद्दू क्वेश्चन भी आपको दिखाती हूँ इसमें फायर क्वेश्चन कमी है जस्ट बिकॉज इट इज द फर्स्ट चैप्टर इसलिए मैंने कुछ में लगाया ये देखो ये क्या है हमारे क्या है आर दीज कम ऑन विद मी नहीं यार फुद्दू किस किसको बोलते हैं हाँ कोई लिख रहा है फूफू नाराज हो जाएंगे भाई फूफा जी चलो राइट सो वी हैव दीस थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें करना है ठीक है तो आर क्लियर विद द बुक्स समझ में आई सबको बात आर क्लियर विद द कोर्स स्ट्रक्चर आर विद्रक्चर क्लियर विद द बुक्स दोनों चीजें समझ में आई चलो यो गुड फाइनली आते हैं हम अगली चीज पे अगली चीज क्या है हमारी इंट्रोडक्शन टू लॉ लॉ क्या है अच्छा बुक्स का जो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है भाई जिसने भी कॉम्बो लिया है उसके में बुक्स इंक्लूडेड हैं ठीक है बुक्स इनफैक्ट शायद न्यू सिलेबस में सबके में इंक्लूडेड हैं यू हैव टू चेक दैट ओके तो चलो भाई शुरू करते हैं हम सबसे पहली बात कि लॉ क्या होता है लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हम सबको पता है भाई हम लॉ पढ़ने वाले कॉरपोरेट एंड अदर लॉस कॉरपोरेट क्या होते हैं बाद में समझेंगे पहले लॉ क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा और शायद अगर आपका टैक्स uh, वैक्स का क्लास शुरू हुआ हो बिकॉज टैक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉ तो आपको थोड़ा आइडिया लग भी गया होगा कि लॉ क्या होता है, है ना सबको पता होगा लॉ क्या होता है कैसे बनता है बट मेरा फर्ज है बताना तो मैं फिर से बताऊंगी ये बताऊंगी आपको कि लॉ क्या होता है और कैसे बनता है बट बिफोर वी बिगिन दैट पहली चीज जो आप सबको करनी है इज डिवोटिंग हाफ एन आवर आफ्टर द क्लास करेंगे सब ये सो नो या ना सब करेंगे परफेक्ट आप अपनी लाइफ के सीईओ खुद हो हायर फायर एंड प्रमोट योर हैबिट्स अकॉर्डिंगली आज आप डिसाइड करोगे इमिडिएटली आफ्टर इज नॉट रिक्वायर्ड आपका आज क्लास होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के आज, आज आप क्या करो आधे घंटे कम से कम पढ़ाई करो ठीक है पढ़ाई करो मतलब रिवाइज करो अपार्ट फ्रॉम द होमवर्क इफ एनी दैट आई गिव यू राइट अगर आपका क्लास है मान लो आधे घंटे में ही क्लास है तो भाई नाश्ता पानी करोगे उसके बाद फिर क्लास अटेंड करोगे तो पॉसिबल नहीं आज की तारीख में चौबीस घंटे के अंदर अंदर आज मैं आपको इसकी लॉजिक या रीजन नहीं बता रही हूं मैं आपसे हफ्ते दस दिन बाद इस बारे में बात करूंगी तो आप मुझे इसका लॉजिक या रीजन बताओगे ट्रस्ट मी ऑन दिस okay? ओके बट फिलहाल ये करना है दिस इज दैबिट दैट यू हैव टू डेवलप सो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिविलाइज सोसाइटी फॉर एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस फॉर एजुकेशन हर जगह हमारे रूल्स होते ही होते हैं है ना मान लो आ, क्रिकेट वगैरह देखता है कोई यहाँ पे कोई तो स्पोर्ट्स वगैरह देखते होगा ना कौन नहीं देखता मैं ये तो मेरे दिल की बात बोल दी आई एम अ क्रिकेट लवर मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना तो मान लो कोहली जाते हैं बैटिंग करने ठीक है और पहली बॉल पे उन्होंने लगाया छक्का ठीक है कैसा लगा अच्छा लगा मैम बहुत अच्छा लगेगा दूसरी बॉल पे वो गए आउट कैसा लगेगा बहुत बुरा लगेगा ऑब्वियसली वापस आ गए ही इज बैक टू पवेलियन और उसके बाद तीसरी बॉल पे क्या होता है एक नया बैट्समैन जाता है मान लो उनकी जगह कोहली ही चला जाए वापस तो कैसा लगेगा खुशी होगी बहुत खुशी होगी मैम आउट हो गए थे वापस आ गए ये क्या चमत्कार हो गया ऐसे ही अगर हम इमेजिन करें कि हम नहीं खेल रहे हैं इंडिया इज नॉट बैटिंग मे बी पाकिस्तान इज बैटिंग और पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर होता है और उसको क्या कर दिया जाता है आउट कर दिया जाता है बड़ी मुश्किल से हमने उसको आउट किया था और अगली बॉल पे वही बैट्समैन वापस आ जाए तो क्या होगा बहुत बुरा लगेगा हमें ये क्या हो रहा है क्रिकेट इज वॉट क्रिकेट इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली फॉर अस बट एंटरटेनमेंट में भी हमको रूल्स चाहिए डक लुइस मेथड पता है किसी को समझ में आता है आता है किसी को समझ में हाँ या ना बोलो तो यार मेरे को तो नहीं आता है अगर किसी को आता है तो मेरे को समझा देना डकलुएस मैथड जब लगता है मेरे को समझ में ही नहीं आता है कुछ भी पर वो क्या है एक रूल्स है हमें समझ में आए हमें ना समझ में आए कुछ भी हो हमको उसको मानना पड़ता है राइट वाई फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी में भी फॉर एंटरटेनमेंट फॉर एजुकेशन हर जगह रूल्स रूल्स चाहते ना चाहते हुए भी हम एन नंबर ऑफ रूल्स के साथ आज के जमे आज के जमाने में रह रहे हैं कैसे रहते हैं हम बहुत मुश्किल है यहां पे कितनी लड़कियां हैं कोई अगर हो तो मुझे बताना बिकॉज आई हैव सीन दिस वेरी रिसेंटली बात कैसे करते हाई बेब्स क्या कर रही हो ऐसे फोन पे इंटरेक्शन होता है कोई ऐसे करता है या ये बस मेरा भ्रम है कोई ऐसे नहीं करता है आई फ्यू फ्रेंड्स हु टॉक लाइक दिस करते हैं तो कुछ का तो आ रहा है करते हैं मान लो भाई एक ग्रांड माँ रहती है घर में और उनकी एक पोती और उसने फोन उठाया सुबह सुबह हाय बेब्स अरे रे दादी जी के तो हाथ पैर ठंडे हो गए भाई लड़की तो बिगड़ गई है गलत संगत में पड़ गई है ये क्या है इट इज नथिंग बट जनरेशन गैप कुछ गलत नहीं है, है ना बट ये जनरेशन गैप है एक घर में दो लोगों की बातें कभी मैच नहीं होती है एक ही घर में दो लोगों के ओपिनियंस कभी मैच नहीं होते तो आप सोचो कि क्या होगा जस्ट अ सेकेंड ये दिख रहा है बनी ये हमारा एक कैरेक्टर है जो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहेगा ये चला देखने 195 कंट्रीज की इस दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह लेता हुआ हमारा हिंदुस्तान विच इज़ डिवाइडेड इन टू स्टेट्स स्टेट्स में फर्दर सिटीज़ हैं और इन सिटीज़ में इन शहरों में न जाने कितनी सारी खूबसूरत सी गलियाँ और इसमें रहती है 130 करोड़ जनता हर इंसान अलग हर किसी की सोच अलग वी हैव डिफरेंट रिलिजन्स ओपिनियंस एज ग्रुप नीड्स वॉन्ट्स किसी को लाइफ में तेज़ रफ्तार पसंद है तो किसी को स्टेबिलिटी यहां पे देखो न जाने आपको अनगिनत कितने लोग दिख रहे हैं आपको लग रहा है किन्नी दो लोगों के मन में सेम चीज चल रही होगी क्या कोई दो लोग सेम चीज चाह रहे होंगे द आंसर इज नो 130 करोड़ जनता यार अप्रॉक्सीमेटली तो बहुत डिफरेंस है पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबको पसंद होती है जब मान लो हम बाहर सड़कों पे निकलते हैं और देखते हैं कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है ब्रिजेस बन रहे हैं रोड्स बन रही हैं फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो कैसा लगता है डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अगर हम निकले और देखें कि यार ये तो कहीं एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और कहीं इतना भयंकर ट्रैफिक जाम है कि दो घंटे क्या हम बीस घंटे में भी हमारे लिए कहीं पहुंचना मुश्किल होगा तो इमेजिन करो कि कैसा लगेगा यार बहुत दिक्कत होगी हम पीसफुली रह नहीं पाएंगे घर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको दिखता है कि घर में साफ सफाई है भाई पॉल्यूशन नहीं है अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं वी डोंट फाइंड अ क्लीन रोड वी डोंट फाइंड दोज क्लीन सराउंडिंग्स और हर जगह हमको डंप यार्ड ही मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में भाई कैसा लगेगा अच्छा लगेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मैम तो कैसे मैनेज किया जाए रूल्स तो बनाने जरूरी हैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी कि रूल्स की इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है पर यार हमारे घर में चार लोग रहते हैं अगर पापा हमारे लिए रूल्स बना दें और बोले रात में दस बजे घर आ जाना तो क्या हम मान जाएंगे ऐसा नहीं लगेगा ये दस बजे पापा कौन घर आता है आज के जमाने में जियो पापा है ना थोड़ा सा लगेगा कि नहीं लगेगा तो हम अपने पीओ की नहीं सुनते हैं रूल्स के मामले में तो कोई भी एरा गेरा आएगा और हमारे लिए रूल्स बनाएगा और हम उसको मानेंगे मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ेगा नहीं मानेंगे हम तो जीएसटी आया आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन लाया जीएसटी क्या बोलोगे बोलते ना मोदी जी जीएसटी लेके आए ऐसे बातें चलती है ना पर ये कौन बातें करता है एक कॉमन मैन आज आप कौन हो यू आर नॉट अ कॉमन मैन यू आर अ लॉ स्टूडेंट और आपको पता होना चाहिए देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लिख रहा, लिख रहा है अरुण जेटली लेके इज लॉ हमारे देश में हम खुद बनाते हैं हम अपने लिए इतना बुरा कर रहे हैं मैम मानो या ना मानो द सुप्रीम पावर लाइज इन देंड्स ऑफ पीपल हमने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भारत का जो सबसे बड़ा है और संविधान ने कुछ लोगों को पावर दी है टू मेक लॉ मैं आपको आज काफी सारी चीजें डिटेल में बता रही हूं बिकॉज जब आप लॉ पढ़ते हो ना तो आपको आपके लीगल सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज अ जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया जब हम वोट करते हैं हम दो बार वोट करते हैं आई होप यू ऑल नो दैट जिसको पता है वो बस सुन ले और जिसको नहीं पता है वो और ध्यान से सुने बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए एक बार हम लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग करते हैं और दूसरी बार हम किसके लिए करते हैं विधानसभा आप कह लो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा स्टेट में बैठता है और एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा नेशनल लेवल पे बैठता है हा कि ना समझ रहे हो आप मेरी बात तो ये जो इतनी बड़ी सी कंट्री है इंडिया जिसमें 130 करोड़ लोग हैं जिनके लिए हमको नियम बनाने जरूरी हैं फॉर अ पीसफुल सिविलाइज सोसाइटी हम ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक के घर पे जाएं ओ भाई साहब ये ना नया नियम आ रहा है आपकी कंसेंट है क्या है अच्छा चलो इनकी कंसेंट है ऐसे हम पूछ पूछ के नियम नहीं बना सकते हैं. तो इट इज डिवाइडेड इंटू टू बी प्रोसाइज फाइव फोर्टी फाइव पार्ट्स और वहां के सबके एक रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं वो लॉ बना रहे हैं है ना हाँ या ना तो भाई लॉ क्या है लॉ एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है एक्ट से टर्म वाइडर है अगर लॉ की बात करें तो लॉ में एक्ट रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन सर्कुलर सब आ जाते हैं धीरे धीरे आपको इन सारी चीजों का मतलब समझ में आएगा ठीक है मैं धीरे धीरे बताऊंगी आज के दिन इतना सारा नहीं बताऊंगी ठीक है लॉ की जरूरत क्या है लॉ की जरूरत है हमको टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ठीक है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इनफैक्ट नहीं कहूंगी क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लॉ है ना पहली बात लॉ की जरूरत क्यों है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन अ सोसाइटी ठीक है टू मेंटेन पीस वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग लॉ बनाता कौन है वी हैव मेड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है सुप्रीम पावर लाइज इन देंड्स ऑफ पीपल तो लोग जो है लोग बताएंगे कि कैसे लॉ बनेगा और लोगों ने बताया है कि हम इलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को विच विल एक्चुअली मेक लॉ ठीक है सो दैट्स हाउ आर गवर्नमेंट इज बाय दीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है ना हा या ना हा ना, या ना? समझ में आ रही है बात ठीक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये बेसिकली आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाइस पार्ट में डिवाइडेड है एंड थ्रू इट्स आर्टिकल्स ये डिफरेंट अच्छा गवर्नमेंट के कौन से तीन ऑर्गन्स हैं या विंग्स हैं कोई बता सकता है एनी गवर्नमेंट के कौन से तीन ऑर्गन्स या विंग्स होती हैं स्टेट यूनियन नहीं गवर्नमेंट के तीन हाँ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एक्सिलेंट लेजिस्लेटिव क्या करते हैं लेजिस्लेटिव क्या करते हैं लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं एग्जीक्यूटिव लॉ को एक्जीक्यूट करते हैं या जो हम बोलते हैं मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशियरी एक्चुअली लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ठीक है तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे तीन हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ठीक है लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ मतलब हमने जिसको इलेक्ट किया लोकसभा में वो जाके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने वो बैठे हमने एक और इलेक्शन किया था मतलब एक और वोटिंग की थी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थी जो स्टेट लॉज बनाते हैं वो इलेक्शन करके कुछ और लोगों को बैठाते हैं राज्यसभा में तो आइडियली हमारे पास राज्यसभा लोकसभा विधानसभा तीन जगह हुई हुई कि नहीं लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उसका मतलब क्या होता है लोकसभा के मेंबर्स ने मेजोरिटी से पास किया क्योंकि यूनानमस तो हम कंसेंट मांग नहीं सकते ले ही नहीं सकते ठीक है एक घर में अगर चार लोग रहते हैं तो चारों एक बात पे सहमत हो यह जरूरी नहीं है तो देश के इतने लोग उनके इतने रिप्रेजेंटेटिव्स क्या सहमत होंगे आंसर इज नो तो मेजोरिटी पे बनता ही चीजें है ना तो मेजोरिटी की लोकसभा मेजोरिटी की राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और तब हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट ने लॉ बनाया फॉर नेशन फॉर द एंटायर नेशन एक स्टेट के लिए भी कुछ लॉज बनते हैं जो उस स्टेट के अंदर ही होते हैं वो कौन बनाता है वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है ठीक है उनको भी हम ही ने इलेक्ट किया है वो भी हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है जो बना रहे हैं ठीक है तो लेजिस्लेटिव एक अलग एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कौन करता है लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट अब आती है बात सेंट्रल गवर्नमेंट की क्योंकि हम सेंट्रल की बात करेंगे आर नॉट नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट दैट इज इन सिलेबस है ना हम कितने कितने अलग अलग स्टेट से सब बैठे हुए हैं तो स्टेट लॉस पढ़ने के लिए थोड़े बैठे हैं हम सेंट्रल लॉस के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं ना वी आर गोइंग टू रीड अ सेंट्रल एक्ट तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एग्जीक्यूट करती है भाई जो लोकसभा में हमने इतने सारे लोग भेजे उसमें जिसमें भी मेजोरिटी होती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है है ना सरकार बनाते हैं उसमें क्या होता है वो अलग अलग मिनिस्टर्स बनाते हैं देखो मैंने लिखा होगा कहीं तो लिखा होगा व्हाट इज पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा क्या करोगे इतना जान के ये देखो हाउ सेंट्रल एक्ट आर एनफोर्स्ड थ्रू रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर्क थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर इनको हम क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं समझ तो में आई बात पहले पार्लियामेंट ने लॉ बना के दिया बोला ये देश के लिए जरूरी है ठीक है सेंट्रल मैटर्स की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया भारत का संविधान जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा कुछ नहीं है जो सबसे बड़ा है उसने पावर कन्फर की कि ये कुछ मैटर्स हैं डिफेंस रेलवे बैंकिंग और बहुत सारे मैटर्स कि इन मैटर्स पे पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है पार्लियामेंट का मतलब क्या लोकसभा राज्यसभा और कौन है प्रेसिडेंट मुझे दिखाई दे रहा है जो जो नहीं बोल रहा है ना मैं सबको देख रही हूँ भाग मत जाना तो कौन है प्रेसिडेंट ये तीनों क्या होते हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ठीक है पार्लेमेंट. पार्लेमेंट तो पार्लियामेंट ये पावर यूज करके लॉज बनाते जिनको हम क्या बोलते हैं अल्टीमेटली एक्ट है ना और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑफ मेकिंग लॉज कि हमें भाई इमरजेंसी है तो हम ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं तो बहुत नोटिफिकेशन होता है तो रूल्स रेगुलेशन सबके बारे में आपको धीरे 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 पता चलेगा फिलहाल हम एक सेंट्रल एक्ट को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट आपको पता है मैं इतना डिटेल में आपको समझाने वाली नहीं हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नीड एंड यू नो इट राइट किसी को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझना हो तो मेरे को पूछ सकते हो ठीक है ओके okay? चलो भाई तो 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 बिजनेस लॉ बिजनेस करना है तो बहुत सारे बिजनेस लॉस हैं इंडस्ट्री चलानी है फैक्ट्री चलानी है तो इंडस्ट्रियल लॉज को हाँ, देखना पड़ेगा लेबर लगाना है अगर आपने फैक्ट्री खोली उसमें आपको लेबर अपॉइंट करना है तो लेबर लॉज को कंप्लाई करना पड़ेगा है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है गुड्स बेचते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट है चेक साइन किया नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है रोड पे चल रहे हैं हमारी मोटर व्हीकल एक्ट है ना तो हर जगह हमारे पास अलग अलग लॉज बने हुए फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस अगर हमें को चलाना है इज इज इट अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही और कुछ नहीं है. अगर इसको चलाना है तो भी सेंट्रल एक्ट एक पास हुई किसने पास की हम ये नहीं बोलेंगे सरकार ने पास की उजेंड थर्टीन इज पास पार्लियामेंट यूजिंग इट्स पावर बहुत सारी एंट्री uh, रहती है रेसिडियल एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे बट यू नो दैट राइट ओके तो कंपनीज एक्ट के लिए लॉ किसने बनाया पार्लियामेंट ने इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इट्स मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिस इज वन थिंग यू ऑल शुड नो इसमें अब कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए एक चीज है जो आपको पूरे के पूरे कंपनी लॉ में काम आएगी एमसीए जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सो फॉर कंपनीज एक्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी इज पार्लियामेंट द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड ऑफकोर्स द जुडिशियरी बॉडी तो जुडिशियरी बॉडी में क्या आते हैं हमारे कोर्ट्स वगैरह होते हैं अभी आपको इंटरप्रेट लॉ नहीं समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आएगा मैं बताऊंगी आपको ठीक है बट जुडिशियरी सजा देती है अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको उसको सही बताती है कि नहीं रूल ये है या लॉ ये है उसको इंटरप्रेट करती है वॉट इज दट एनसीएलटी एनसीएल स्पेशल कोर्ट फिलहाल ये बस इंट्रोडक्शन था ठीक है इसके आगे अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ये क्लियर है एवरी वन बी इज काइंड ऑफ कासी जुडिशियल बॉडी इट ऑल्सो मेड रूल इट ऑल्सो इंटरप्रेस ठीक है तो वो एक अलग तरीके की बॉडी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है क्योंकि आपने पूछा तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया वन okay? चलो भाई तो इस पेपर का कॉरपोरेट लॉ में हम शुरू करते हैं सबसे पहले Companies Companies Act Act 2013. 2013, We'll begin with Companies Act 2013, which is ideally divided into 29 chapters, but हमको सब नहीं पढ़ना है. हमको थोड़ा सा ही उसका content पढ़ना है और वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे एक quick recall कर लेते हैं अभी तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसकी What is the meaning of law? जो नहीं बोलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा मैंने आज आपको बोला है प्लीज हायर फायर एंड प्रमोट योर हैबिट्स अकॉर्डिंगली टुडे इज़ द टाइम टू डेवलप वन गुड हैबिट ऑफ हाउ यू अटेंड द क्लास बस आपको बोलना है आप जहां बैठे हो आपको बोलना है ट्रस्ट मी इट इज फॉर यू इट इज नॉट फॉर मी वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी गुड इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्ट क्या एक्ट से अलग होता है द आंसर इज यस एक्ट से अलग होता है एक्ट वाइडर टर्म है कि लॉ वाइडर टर्म है लॉ वाइडर टर्म है लॉ में क्या होता है सर्कुलर नोटिफिकेशन सारी चीजें आ जाती हैं और एक्ट इज ओनली एक्ट एक्ट कौन बनाता है हम सेंट्रल एक्ट की बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट एक्ट पार्लियामेंट एक्सिलेंट पार्लियामेंट इज द वन हु मेक्स एक्ट ठीक है तो कंपनीज एक्ट किसने बनाई है पार्लियामेंट ने बनाई है अगर हम को कंपनी इफ वी चूज दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमें कंपनी बनानी है हमको कंपनी के अंदर बिजनेस करना है तो कंपनीज एक्ट को हमें मानना पड़ेगा अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा सजा मिलेगी पनिशमेंट मिलेगी आंसर yes. तो हम भाई जुडिशियरी के पास पहुंच जाते हैं हम एनसीएलसीएल ये सब कुछ है कंपनीज एक्ट में अभी हमको पता नहीं है पर इनके पास हमको जाना पता है मतलब कोर्ट वगैरह के पास वो सब हमको पनिशमेंट वगैरह देते हैं सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी अलग अलग मैंने डिवाइड किया है अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है 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 ठीक एक्ट पास कैसे होती है? ये तो हमने पढ़ लिया कि पास बाई पार्लियामेंट फोर फोर्टी सेवन ओ माई गॉड कोई बच्चा सेक्शन नंबर लिख रहा है वैसे आइडियली फ्रॉड का सेक्शन नंबर होता है कहीं ना कहीं कुछ सच है बट आई एम इम्प्रेस चलो एक बिल ड्राफ्ट बनता है ड्राफ्ट मतलब रफ बना है भाई कि हाँ चलो ये ये नियम हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं ठीक है उसको हम न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता है सजेशंस के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्चुअली फर्स्टली इन लोकसभा एंड देन इन राज्यसभा ये टेक्निकली गलत है ऐसा नहीं होता है कि सारा बिल पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद ही राज्यसभा में होता है अलग अलग तरीके के बिल्स होते हैं और उसके अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं बट हमको दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है हमें पता है कि दोनों हाउसेज में जाना चाहिए ठीक है उसमें जो भी बहस होती है डिस्कशंस होते हैं कई बार कमेटी बना देते हैं कमेटी तो बनाना बहुत ज़्यादा प्रचलन है एक कमेटी बना दी उसको दे दिया यार तुम रिसर्च करो देखो इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए फिर वो कमेटी काम कर रही है उस पर कर रही है एक साल दो साल तीन साल बहुत टाइम भी लग जाता है उसके बाद फिर आता है तो दोनों हाउसेस uh, में अप्रूव होता है देन ऑफ़ कोर्स इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट असेंट एंड देन ड्राफ्ट बिल बिकम्स एक्ट एक सवाल कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013, ये वन ये टू दोनों में से क्या सही है क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार वह पूछ क्या रही है ये कि जैसा तो लिखा है फर्स्ट इज राइट ये क्यों मैं पॉइंट आउट कर रही हूं क्योंकि ये सी ए इंटर लॉ में स्टूडेंट की पहली गलती होती है और फिर हमें लगता है कि यार मैम सब सही तो लिखा था ये सरासर गलत है एक्ट जैसे ही आपने लिखा मतलब आप कोई एक्शन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हो है ना दिस इज एन एक्ट कमिटेड बाय अखिलेश राइट और एक्ट जब आपने लिखा तो मतलब हम एक कानून की तरफ बात कर रहे हैं तो पहली चीज व्हिच यू हैव टू नो कि कभी भी एक्ट का लोअर केस या स्मॉल नहीं होगा ओके इट ऑलवेज हैज बी कैपिटल समझ में आई बात था हाँ या ना समझ में आई बात चल अब भाई अगर किसी को भी बिजनेस करना है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है कौन यहां पर है जो लाइफ में आगे बिजनेस करना चाहते हैं कुछ भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है अच्छा अच्छा बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को लगा यार कोई भी नहीं होएगा बिकॉज अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो तो उसके बाद बहुत कम बच्चे दिखते हैं जो ऐसे बिजनेस माइंड वाले होते हैं अरे बाप रे तो बहुत ही सारे हैं कहा फंस गए बच्चों चलो नेवर माइंड अगर आप लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो तो व्हाट आर दी ऑप्शन दैट यू हैव यू कैन गो फॉर प्रोप्राइटरशिप है ना आप खोल सकते हो पार्टनरशिप प्लानिंग ऑल्सो स्टार्टेड वेरी गुड और क्या हो सकता है भाई हम एच यू एफ के अंदर भी बिजनेस कर सकते हैं बहुत सही बात है हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खोल सकते हैं है ना और हम क्या कर सकते हैं हम एल एल पी खोल सकते हैं वेरी गुड ट्रस्ट बिजनेस नहीं करता है एक्चुअली थोड़ा सा अलग पर्पस हो जाता है और उसके बाद आती है 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 कि हम भी भी खोल सकते हैं मतलब हमारी OPC भी हो सकती है, it could be a private company, है ना इट कुड बी पब्लिक कंपनी कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं मैंने आपको अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था एक कैरेक्टर के साथ विच इज बनी देखा था सबने बनी को नहीं देखा अभी हमने वीडियो देखा तो उसमें स्कूटर चला रहा था बनी देखा था कि नहीं देखा था तो बनी के भी दिमाग में आया कि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके साथ क्या हुआ थोड़ा सा आइडिया लेते हैं देखते हैं ठीक है सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा बहुत हुआ अपमान आप करूंगा माई काम ने क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया Mm-hmm. <coughs> आप, आप ही कोई रास्ता दिखाइए सी ए साहब सारी उम्र खेल आई थिंक साउंड आप लोगों को नहीं सुनाई दी सम स्टूडेंट्स राइट साउंड थी और बड़ी मजेदार थी कोई बात नहीं फिलहाल क्या हुआ ये समझ में आया पढ़ा ये समझ में तो आया होगा कि क्या हुआ बनी के साथ बनी ने पहले क्या स्टार्ट किया एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अपने फायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं बिजनेस अगर आपको बड़ा करना है तो आप खुद रिस्क पे चले जाते हो है ना? आप लोन लोन लेने गए बैंक से, अब ये लोन अगर हम नहीं रीपे कर पाए तो क्या होगा हम ही बिक जाएंगे घर द्वार सब उठा के बैंक वाले लेके चले जाएंगे है ना और गलती से अगर कुछ हो गया तो वो बिजनेस भी वहीं बंद हो जाता है अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसा तो नहीं होता है कि बिजनेस वहीं बंद हो जाता है भाई अगर दुकान है किसी की और उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका बेटा नहीं बैठ जाएगा दुकान पर संभालने पर उसको पूरी लीगल जो हम वर्किंग की बात कर रहे हैं वो दोबारा करनी पड़ेगी है ना पूरी लीगल मतलब वो प्रोप्राइटरशिप अब नहीं रहा तो पूरा सब चीज़ वापस से होगी ना उसको दूसरा फॉर्म बनाना पड़ेगा प्रोप्राइटरशिप तो एनी वेज इट इज नॉट इवन रजिस्टर्ड बट प्रॉब्लम होती है ऐसे ही पार्टनरशिप क्या होती है पार्टनरशिप पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाती है कोई भी मर गया तो दोबारा आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है है ना तो किसी की भी अगर डेथ होती है तो इट गेट्स डिजॉल्ट दूसरी बात लाइबिलिटी द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ बिजनेस इज लाइबिलिटी तो लास्ट में जो आपको बनी दिखा होगा फोन पे बात करते हुए वो एक्चुअली बोलता है कि अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए सी ए साहब तो वो आइडियली कहाँ आया है वो हमारे पास आया है और हमको क्या करना है उसको रास्ता दिखाना है हम उसको कौन सा रास्ता दिखाएंगे कंपनी हे दिल की बात बोल दी बेटा आपने हम उसको रास्ता दिखाएंगे कंपनी कि चलो बेटा बनाते हैं एक कंपनी कंपनी कैसे बनाते हैं कंपनीज एक्ट बताएगा कंपनीज कैसे चलाते हैं कंपनीज एक्ट बताएगा हमको कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं ये भी कंपनीज एक्ट बताएगा हमको एक कैरेक्टर दिमाग में रख के हम ये पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ठीक है तो हमारे लिए क्या होगा इजी रहेगा कंपनी के अपने बड़े सारे एडवांटेजेस होते हैं ठीक है कॉपी और पेन खोलो और लिखना शुरू करो क्या लिखेंगे मैम हम लिखेंगे कंपनी के फीचर्स जितने फीचर्स खुद से याद आ रहे हैं वो लिखते जाओ ज एल एल पी बेटर यह सवाल है मैम इज स्टार्टअपनीस स्टार्टअप का बेसिक uh, क्राइटेरिया ही है कि इट हैजू बी अ प्राइवेट कंपनी पहले वो एक प्राइवेट कंपनी होती है देन इट इज रिकॉगनाइज बाई गवर्नमेंट ए स्टार्टअप धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी एल एल पी भी हमें पढ़ना है राइट सो विल रीड दैट ऑल्सो बेटर और वर्स वाली चीज नहीं होती है एल इज आइडियली अ ब्रिज बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी वो कहीं कही ना कहीं दोनों के बीच का मॉडल होता है विच हैज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस ऑल्सो एंड इट्स ओन सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो सोल प्रोप्राइटरशिप को आइडियली कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है बट देयर आर सर्टन थिंग्स जैसे अगर आपको जीएसटी है तो आपको उसमें रजिस्टर कराना ही कराना पड़ेगा इफ यू आर कंप्लाइंग विद द लिमिट राइट हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप यू कैन से दैट चलो तो कंपनी के फीचर्स लिखे किसी ने कि आप लोग वेट कर रहे हो कि मैम लिखेंगी तो हम भी लिखेंगे सबसे पहला अच्छा एक सवाल पूछती हूं देखती हूं कि कोई आंसर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। थोड़ा सा अलग है सवाल कभी सुना नहीं होगा आपने पूछो हाँ या ना। चल ब्रिंग इट ऑन मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंपनी में हर वक्त होती है पर कंपनी नहीं कर सकती ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंपनी में हमेशा होती रहती है पर कंपनी वो नहीं कर सकती ना मैनेजमेंट रॉन्ग डिसीजन मेकिंग रॉन्ग और सोचो थोड़ा थोड़ा और सोचो डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने लिखा है कंपनी अपने डिसीजन लेती कैसे है वर्क ये भगवान के यार कुछ भी फाइनली आई गॉट एन आंसर आई एम सो हैपी भानु प्रकाश आपसे तो मैं मिलना चाहूंगी बोटिंग इसका आंसर क्या है बोटिंग कंपनी में हर वक्त होती रहती है क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन कैसे होते हैं वोट से ही होते हैं कभी वोटिंग करते हैं शेयर होल्डर्स कभी वोटिंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना क्योंकि कंपनी क्या है कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है क्या कंपनी वोट्स दे सकती है हमारी तरह कंपनी अठारह साल की हो गई भाई बधाई हो आप एडल्ट हो गए अब आप वोट्स दे सकते हो अब आप अगर अब आप अपने आप को कौन सा जेंडर कैटेगराइज करते हो अलग बात है तो उस हिसाब से आप शादी कर सकते हो डिवोर्स हो सकता है सब हो सकता है हाँ या ना हाँ नहीं यार क्या मैम क्या मजाक कर रहे हो कंपनी क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नजर में वो आई है और लॉ की नजर में ही वो डिजॉल्व भी हो जाएगी जब होना होगा तो लीगल बर्थ और लीगल डेथ से गवर्न होती है ये कंपनी ठीक है तो इसके पास ऐसा नहीं है कि कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं पर जो फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल एक सिटीजन को मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं क्यों बिकॉज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ठीक है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन है ना तो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी सिटीजन नहीं होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन के साथ ही इनकॉर्पोरेटेड पॉइंट है आइडियली बट फिर भी और और क्या फीचर लिखा आप लोगों ने पहला लिखा था आर्टिफिशियल artificial... चल बहुत अच्छी बात है उसके बाद लिखा है भाई परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब क्या होता है मेंबर्स के लाइफ के साथ भी मेंबर्स के लाइफ के बाद भी है ना ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी कंपनी डिजोल्व नहीं होती इट इज नेवर एंडिंग कोई मेंबर आए कोई मेंबर चला जाए मान लो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछू एक कंपनी बनाई किसने बनाई मैंने और आदित्य ने मिलके एक कंपनी बनाई ठीक है बना सकते हैं कि नहीं बना सकते है? भाई दो में मिलकर एक प्राइवेट कंपनी खोली अब क्या हो गया मेरे को और नहीं यार ये एग्जांपल सही नहीं लग रहा मेरे को ए और बी ने मिलके कंपनी बनाई और ए और बी की डेथ हो गई ठीक है किसी एक्सीडेंट में जाते हुए ए और बी की डेथ हो गई अब क्या करें अब यह कंपनी कौन चलाएगा कंपनी तो बंद दो मेंबर्स ने या दो फ्रेंड्स ने मिलके एक कंपनी खोली थी ए और बी ने मिलके प्राइवेट कंपनी खोली थी वो बंद हो गई अब क्या करें बाद के लोग बाद के लोग कौन होते हैं कौन चलाएगा कंपनी हम बोल रहे हैं ना कि परपेचुअल सक्सेशन कोई आए कोई जाए कंपनी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी बट प्रैक्टिकली भी तो सोचो ना कैसे चलती जाएगी लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव द शेयर्स आर लीगली ट्रांसमिटेड भाई आपकी वैसे तो बहुत ज्यादा शायद कोई जायदाद संपत्ति अभी हो नहीं क्योंकि उतनी डेवलप की नहीं होगी अभी उन उस प्रोसेस में हो बट मान लो जो भी है वो किसी को भी अगर कुछ हो जाएगा तो वो किसी को पास ऑन होगी ना तो वो शेयर्स भी किसी को पास ऑन हो जाते हैं कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस लूज नहीं कर सकती है करती है हो सकता है भाई कोई बिजनेस चलाने वाला नहीं मिले तो धीरे धीरे क्या होगा कंपनी में बिजनेस बंद हो जाएगा तो फिर आर उसको लीगली क्लोज कर देगी बट किसी के भी जाने से वो कंपनी तुरंत अपनी एग्जिस्टेंस खो दे जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है ऐसा नहीं होता है सो so इसीलिए कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन क्लियर है और क्या फीचर होता है अगला फीचर आया सेपरेट लीगल एंटिटी इसका मतलब क्या है भाई जो बनी के साथ हुआ बैंक वाले उठा के ले जाएंगे उसको यहां पे नहीं लेके जाएंगे कंपनी अब अब इसमें एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं मैंने और आदित्य ने मिलके कंपनी बनाई हमारा सारा का सारा पैसा क्या हो गया डूब गया हमने लोन लिया बैंक से पचास लाख रुपए और हमने कहा कि पचास लाख रुपए बैंक से लोन लेंगे और उसके बाद कंपनी को आगे बढ़ाएंगे हमने वो सारा पैसा भी लगाया था कहीं कहीं इन्वेस्ट किया वो भी पैसे हमारे लेके भाग गए सब डूब गया अब क्या करें घर पे बैठो चिल करो कंपनी ने पैसे लिए थे कंपनी के पैसे डूबे है ना हमने पैसे नहीं लिए थे वी आर नॉट पर्सनली लाइबल क्यों क्योंकि कंपनी अलग और हम अलग आप कंपनी को पकड़ो ना कंपनी के पास जो है सब ले लो बस हमें छो, हमें छोड़ दो ठीक है तो कंपनी के एसेट सीज करेंगे सब चीज करेंगे जो करना होगा वो करेंगे राइट ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और ये इंट्रोडक्शन ऐसा है जो आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा सो डोंट थिंक कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट द फीचर्स ऑफ अ कंपनी बिल्कुल नहीं आएगा कभी नहीं आएगा ठीक पर ये पता होना चाहिए उसके बाद किसी बच्चे ने लिखा है कॉमन सील कॉमन सील क्या मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेरी आवाज क्लियर है हुँ? आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या कि क्लियर है क्लियर है चल बहुत अच्छी बात है ओके कॉमन सील का मतलब क्या होता है किसी को पता है कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर आइडियली ठीक है ये पहले मैंडेटरी हुआ करता था कि हर कंपनी को एक अपनी सील रखनी जरूरी है सील क्या होता है ठप्पा होता है ना ठर से ठप्पा पड़ा होगा बचपन में है ना तो वो क्या होता है वो उसको बोलते हैं हम कॉमन सील ठीक है पहले मैंडेटरी हुआ करता था अब नहीं है अब उन्होंने कहा कि यार वो स्टैंप नहीं नो प्रॉब्लम हम उसके लिए साइनिंग का अलग प्रोविजन बना देते हैं कि कंपनी के पास कॉमन सील है तो ठप्पा लगाओ और अगर नहीं है तो ये साइन कर देंगे ठीक है वो आगे हम साइनिंग का पढ़ेंगे तो कॉमन सील इज समथिंग विच इज विच इज ऑप्शनल क्लियर अच्छा और कोई फीचर किसी को याद आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। अगेन मेरा एक सवाल आपसे और मैं देखूं मैं राइटिंग थोड़ी गंदी गंदी से लिख रही हूं इतनी गंदी मेरी राइटिंग है नहीं मैं आपको बता दूं दो दो सेंटेंसेस में लिखूंगी सेंटेंस नंबर वन और सेंटेंस नंबर टू आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है सोच समझ के ध्यान से लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज या थोड़ा सा इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी in case of limited company liability of company is limited sentence number two liability of members of company is limited but कौन सा सही है बोला था आपने सही है सेकंड वाला सेंटेंस सही है पहला वाला क्या है सरासर गलत है कंपनी ने अगर ले लिया पचास लाख का लोन तो ऐसा थोड़ा है बैंक वाले बोलेंगे अरे तू कंपनी है तेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है दस लाख तक तो एक काम करो तुमको छोड़ दिया हमने नहीं कंपनी को तो डुबा डुबा के मारेंगे हो सकता है कंपनी के सारे एसेट उठा के बेचने पड़ जाए जिसको हम बोलते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक वाली जो स्टेज आ जाती है वो भी आ जाए कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ जाए सब बंद करके तब पैसे रिकवर करेंगे बैंक वाले पर करेंगे पर मेंबर्स को नहीं छूने आएंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कहां तक क्या कैसे लिमिटेड होती है बट दिस इज क्लियर ऑप्शन देखे बिना ही बोला था वेरी गुड चलो बात समझ में आई इतनी ओके वेरी गुड तो बेसिक्स ऑफ कंपनी पे पहले हम आ रहे हैं यू ऑल हैव दिस फाइल बेसिक्स ऑफ कंपनी और यहां पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है कॉर्पोरेट um, व्हील में छू सकते हैं अभी वहां पे भी आती हूं ठीक corporate wheel में है कॉर्पोरेट व्हील में छू सकते हैं लिख क्या कर रहे हो ओनली फॉर रीडिंग ठीक है इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी में कॉमन सील होता है विच इज ऑप्शनल कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी होती है फ्रीली और रिस्ट्रिक्टेड फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है कौन कौन यहाँ पे है जिसने कभी कुछ तो है और जिन्होंने नहीं खरीदा है इट इज द राइट टाइम थोड़ा सा पैसा उधार मांगो यार पेरेंट से और इन्वेस्ट करो ठीक है अच्छे स्टॉक्स में ओके okay? ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बोध भाई ट्रेडर के लिए मैं नहीं बोल रही आपको मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने की प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ और कोई टिप भी नहीं दे रही हूँ ठीक है पर इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आई एम इंस्पायरिंग यू ऑल ठीक है हाँ किया है बट बहुत गलत शेयर्स में नहीं गलत शेयर्स में नहीं करना और प्रॉफिट ये ये सब मेरा मोटिव नहीं है कुछ अच्छे जो आपके इंडेक्स फंड्स होते हैं भाई इन्वेस्ट करने के मोटिव से मैं आपको बोल रही हूँ कि करना चाहिए हर किसी को दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट बाद में करोगे लगेगा कर कर होता तो थोड़ा सा यार हजार दो हजार रुपए तो इधर उधर से मिलेंगे ना जोड़ मिल जाते नहीं तो पापा वापा दे देते हैं है है ना करो ठीक कैपेसिटी एंड बी का मतलब क्या है कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है इन द नेम ऑफ कंपनी मतलब अगर आज मेरे साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ गलत करे तो मैं क्या कर सकती हूँ केस फाइल कर सकती हूँ ये बात अलग है कि वो केस कहीं नहीं जाएगा पर मैं कर सकती हूं केस फाइल है ना उनके नेम पे ठीक है वैसे दे ऑल्सो हैव द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम दीज आर द राइट्स अवेलेबल टू अ पर्सन एंड नॉट जस्ट अ सिटीजन क्योंकि सिटीजनशिप कभी भी कंपनी के पास नहीं होती है तो वो राइट्स जो सिर्फ एक सिटीजन को मिलते हैं वो कंपनी को कभी भी नहीं मिलेंगे ठीक है क्योंकि सिटीजनशिप के लिए क्या है नेचुरल पर्सन होना जरूरी है तभी हमको सिटीजनशिप मिलती है दिस इज एन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है इस पर आपसे सवाल फिर भी एक दो नंबर का पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप बिकॉज दिस इज अ बेसिक दैट यू ऑल शुड नो ठीक है अभी मैंने आपसे क्लास शुरू होने से पहले पूछा आप कहा कम, है, तो रहते हैं अभी उसके भी मैं आपको, बट जैसे जैसे हम फ्लो में जा रहे हैं प्लीज वैसे वैसे ही जाते हैं वंस यू कंप्लीट एंटायर टॉपिक देन यू विल बेटर क्लैरिटी क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स है ना ऑलरेडी कवर हो जाएंगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी मैंने आपसे सबसे पूछा भाई कहां रहते हो कहा रहते हो कहा रहते हो मतलब मैं क्या पूछ आप कहा के है ना? तो जैसे आप कहा तो है है कि नहीं तो कंपनी का भी अपना एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से कंपनी की भी अपनी एक डोमिसाइल हो जाती है और उसका भी अपना एक रेसिडेंशियल स्टेटस होता है सिटीजन तो नहीं होती है ठीक है समझ में आई बात सबको क्लियर है ना देखो बहुत बेसिक है तो मैं बहुत इनडेप्थ नहीं जा रही हूँ जैसे फाउंडेशन में हम जाते हैं ठीक है हाँ चलो बहुत बढ़िया ओके okay. अब आते हैं भाई व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी ये लिख लेना नोट इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड and नॉट the लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ऊपर हेडिंग दे देना बेसिक्स ऑफ कंपनी और उसमें ये फीचर्स और ये एक लाइन ये दो चीज लिख लेना ठीक है चल अब आते हैं हम कंपनीज एक्ट पे कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है इस एक्ट में क्या है लिखते जाना कोई भी रुकेगा नहीं ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स which in turn have 470 sections plus amended sections like 3A 10A etc बच्चों की एक्सपेक्टेशन देखो मैम हैंड रिटन जो आप अभी लिख रहे हैं वो मिल जाएगा क्या भाई लिखवा रही हो ना लिखो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हैंड रिटन चार्ट्स दे रही हूं और वो नहीं लिखवा रही हूं उसी का शुक्र मनाओ और उसका भी रीजन है बहुत बार बच्चों को लगता है कि आ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो बीच में रोक के एड्रेस कर रही हूं कि मैम शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या हमको बिकॉज हम एक लॉ जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ एंड इट इज अप टू यू टू डिसाइड शॉर्ट नोट्स या तो आप ऐसे बनाओ कि भाई वो एक्चुअली पढ़ने का मन करे एग्जाम के एक दिन पहले ठीक है जिसमें बहुत टाइम लगता है देखो मैंने आपको जो चार्ज दिए हैं आपको क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी बन गए हैं इट टेक्स टाइम इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और यहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी हर चीज कवर्ड मिलेगी इसमें बच्चों का टाइम जाता है ठीक है तो इसलिए ये मैं आपको करके देती हूं बट जो अभी मैं आपको क्लास में लिखवा रही हूं वो दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास जब आप सुन रहे हो और साथ साथ लिखते जा रहे हो कुछ चीजें तो आपको एड ऑन कर रहा है कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो लिखना भी जरूरी है है ना पर उतना लिखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं यार आप इतने बैठ के जतन से शॉर्ट नोट्स पूरे हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के और क्या कहते हैं हर एक सेक्शन के नहीं बना सकते हो तो शॉर्ट नोट्स का रिप्लेसमेंट चार्ट है पर आपकी राइटिंग का रिप्लेसमेंट चार्ट नहीं है ये मैं जो काम करा रही हूं ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए करा रही हूं हम बहुत सारे क्वेश्चंस बीच बीच में लिखते जाएंगे विच इज एब्सोल्यूटली नीडेड ठीक है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है तो अगर आप बोलो मैम ये जो पीडीएफ आप लिख रहे हो ना क्लास में मैं क्यों लिख रही हूं यार ये तो मेरा लिखा ही हुआ है मैं वो दिखा नहीं दूंगी मेरे पास तो सब चीज लिखी हुई है सब चीज बनी हुई मैं क्यों लिख रही हूं पागल हूँ मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लिखो मेरे साथ ठीक है तो सब लिखेंगे ना ठीक है तो कोई इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी सबको लिखना है चल तो इसमें क्या है ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स है देखो हर एक चैप्टर में क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं जैसे चैप्टर वन की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर वन में सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन है सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर ठीक है ऐसे चैप्टर टू में हम जाएंगे तो हमें देखेंगे और सेक्शन सेक्शन नंबर थ्री से लेकर सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री में जाएंगे तो सेक्शन नंबर ट्वेंटी से लेके, टू तक तो ऐसे धीरे 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 हम प्रोग्रेस करते हैं तो चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू सेक्शन उस सेक्शन में आते हैं सब सेक्शन उस सेक्शन में क्लॉजेस आते हैं क्लॉज में सब क्लॉजे आते हैं इतना याद करने की जरूरत नहीं है कहीं कहीं थ्रू आउट आर सिलेबस सब सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट या मैं बोल सकती हूं जैसे फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें ये सेक्शन टू में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो ये क्लॉज है अभी वो भी बताऊंगी जब हम पहुंचेंगे तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो जो भी चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोलूंगी और आपको वो याद करनी होगी ये मत बोलना मैम ये नहीं याद करेंगे तो चलेगा क्या जब आप फर्स्ट डे ये सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो ना तो समझ लो कि आपकी सोच कहाँ है आपकी सोच बहुत नीचे है आपका विजन बहुत छोटा है आपके सपने बहुत छोटे हैं है ना सपनों को बड़ा रखना है विजन को बड़ा रखना है एग्जाम के एक दिन पहले पूछो तो समझ आता है क्योंकि टाइम कम है अभी तो शुरुआत की है यार हमने है ना तो बड़े सपने बड़े विजन के साथ हम शुरू कर रहे हैं तो हमारा टारगेट 80 प्लस है इसलिए हम सेक्शन नंबर पे फोकस करेंगे और हम सेक्शन नंबर्स को जरूर याद करेंगे ठीक है तो इसमें भाई इतने सारे सेक्शन है इसमें बहुत सारे रूल्स हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम सी इसमें सेवन शेड्यूल्स हैं दक्ष, दई है पोस्टेड अ वीडियो ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो ठीक है अच्छा मैम ये रूल्स क्यों है और ये रूल्स क्या करते हैं सेक्शन टू क्लॉज एटी फाइव किसी ने सुना है स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी काफी चर्चा -चर में रही है इन द रीसेंट पास्ट क्यों फिफ्टी लैक्स टू करोड़ टू करोड़ ट्वेंटी करोड़ फोर करोड़ फोर्टी करोड़ इतनी जल्दी सरकार भी नहीं बदलती है जितनी जल्दी इसकी लिमिट बदली है, है ना अब सोचो ये एक्ट एक्ट को जैसे पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट है ना बिल लाने के लिए ऐसा होता है ना पूरे का पूरा प्रोसीजर वैसे ही जब एक्ट में चेंज लाना होता है बदलाव लाना होता है तो एक एमेंडमेंट एक्ट को पास करना पड़ता है एमेंडमेंट एक्ट मतलब इट गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एक चेंज लाने के लिए इट गोज थ्रू द सेम प्रोसेस उतना ही समय लगेगा किसी को पसंद आया किसी को नहीं पसंद आया भाई सरकार उसकी है हम उसकी बात क्यों माने आपस में गवर्नमेंट फाइट कर रही है तो एक छोटी सी चीज को भी बदलने में क्या होता है बड़ी दिक्कत हो जाती है एंड द वन हु एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है विच इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए वाले बोल रहे हैं यार स्मॉल कंपनी क्या हो रही है बहुत सारी ऐसे तो स्मॉल कंपनी कैटेगराइज हो रहा रही है हमको इतने सारी कंपनीज को बेनिफिट नहीं देना हमें बड़ी दिक्कत हो रही है हम चाह रहे हैं कि ये हो क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना ग्राउंड लेवल पे उन्हीं को पता है वो जो लेजिस्लेटिव बॉडी बैठी है उनको तो कुछ नहीं पता है एग्जीक्यूटिव वाले को पता है चीजें तो ये बोल रहे हैं यार इसको चेंज करो और वहां पर वो मान नहीं रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है इसलिए जब नया कंपनीज एक्ट आया था ना तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक्ट में कुछ चीजें डाली बट काफी सारी चीजें रिलेटिंग टू ग्राउंड रियालिटी रूल्स में डाल दी क्यों क्योंकि रूल्स बदलने के लिए किसकी चाहिए सहमति सिर्फ और सिर्फ एम की वो मिनिस्ट्री वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल कर रही है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है है ना लेजिस्लेटिव बॉडी से उनको मतलब नहीं है एक्ट को बदलना बहुत डिफिकल्ट है रूल्स को बदलना बहुत आसान है तो क्या किया गया भाई रूल्स में बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया अभी हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा हाउ दिस द रूल्स ठीक है तो इस नई कंपनीज एक्ट में बहुत सारे क्या है रूल्स क्या इसके पहले कोई भी कंपनीज एक्ट नहीं थी इसके पहले हमने इतने सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऊपर पढ़े ना इतने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते अगर हम बिजनेस करना सोचते हैं तो हम इतनी तरीके से कर सकते हैं पर हमने कहा यार ये सब बकवास है जो अच्छा है वो क्या है मतलब ये बकवास नहीं है पर ऊपर वाले के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है तो हमने वो बनी को क्या सजेस्ट किया था कंपनी भाई तू कंपनी बना तो क्या इसके पहले कंपनी नहीं बनती थी बनती थी बहुत सारी आपने भेज दिया यार गुड गुड इसके पहले भी क्या थी हमारे पास जो सबसे ज्यादा टाइम रही और जो सबसे पॉपुलर थी वो क्या थी कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है तो कंपनीज एक्ट 2013 का थर्टीन कब आई कंपनीज एक्ट 2013 थर्टीन को ऋतिक रोशन का एक गाना बहुत पसंद था क्या आप बता सकते हो कौन सा गाना था सब सोच में पड़ गए नहीं एक पल का जीना ही भगवान नहीं नहीं दिल में मेरे सारे गाने आज याद आ जाएंगे लिखते हूं मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूं अब बताओ इतने गाने तो मैंने नहीं सुने यार तुम लोग क्या-क्या बोल रहे हो? ये कौन सा गाना है अरे इतनी हिंट दे दी मैंने हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना Companies Act ने एक्चुअली इस गाने को बहुत सीरियसली लिया था और एक बार में नहीं आई कंपनीज एक्ट 1956 धीरे धीरे हटी क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 धीरे धीरे लाइफ में आती गई तो पहले कुछ सेक्शन नोटिफाई हुए फिर थोड़े दिन बाद कुछ और हुए फिर थोड़े दिन बाद कुछ और हुए ऐसे धीरे 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 क्या हुई वो हमारी लाइफ में आई अब हमारी लाइफ में वो आ चुकी है ठीक है तो अब हमारी लाइफ में क्या है कंपनीज एक्ट टू क्लियर है प्रीवियस कंपनी लॉ हम जब भी बोलेंगे मतलब प्रीवियस कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 1956, 1913, 1882 और बहुत सारी इनफैक्ट इसमें बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए थे तो बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स भी हैं ऑल दो अमेंडमेंट एक्ट का पर्पज बस इतना होता है आई उसमें अमेंडमेंट की और खत्म हो गई ठीक है पर है ओके सो वी बिगिन वट डू यू मीन बाय अ कंपनी कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन टू क्लॉज अरे ये तो पता होना चाहिए यार सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी वेरी गुड कंपनी का मतलब क्या होता है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज प्रीवियस लॉज हमें पता है कंपनी की डेफिनेशन आज तक कभी भी इंस्टीट्यूट ने हमसे पूछी नहीं है ठीक है पर हम सबको ये एक डेफिनेशन ऐसी है जो हमेशा याद रहती है विद क्लॉज सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी हमको हमेशा याद रहता है क्यों याद रहता है क्यों याद रहता है क्योंकि ये पहली चीज है जो हम पढ़ते हैं है ना पहला प्यार भूले नहीं भुलाता पहला सेक्शन भूले नहीं भुलाता क्यों क्योंकि वहाँ पे फोकस और सबसे ज्यादा रहता है क्या ये फोकस और अटेंशन हम आगे तक मेंटेन कर सकते हैं हाँ हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं देखो कर सकते हैं कर पाएंगे नहीं पता पर कोशिश जरूर करेंगे है ना इतने ही फोकस से अगर हर चीज पढ़ोगे तो सब याद रहेगा क्यों नहीं याद रहेगा एक जनरल सवाल मेरा आपसे कहा चले गए हम ये लिख भी लेना ऑल तो दो सवाल है पर लिख जरूर लेना एन एसोसिएशन ऑफ सिक्सटी परसेंट वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव इज वैलिड और नॉट बताओ पहले लिखो और उसके बाद बताओ सोचो यह आपको पता होना चाहिए मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रही हूं जो आपको नहीं पता होना चाहिए थोड़ा सा मुझे मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है इसका टॉपिक या इसकी हेडिंग है इलीगल एसोसिएशन इसके ऊपर भी अगर आप लिखना चाहो तो ई एस लिख के सर्कल कर दो वॉट इज ई एस कभी भी आप अपनी कॉपी खोलोगे आपको ई एस मिलेगा मतलब वो है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स जैसे आपको बुक में मैंने बताया ना देर आर अट ऑफ प्लेसेस जहां पे मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट ऑफ नॉलेज डाला है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप जब कॉपी में भी लिखोगे बाद में आप उसको गलत ना समझ लो या उसको अननेसरली एग्जाम के समय उस पर टाइम ना दो इसलिए उसको लिख लेना ईस को या कलर से लिखना हो तो वैसे लिख लेना ठीक है दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट ऑफ शॉर्ट्स ऑफ नॉलेज ठीक है इलीगल एसोसिएशन एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन आता है जिसमें बोला जाता है कि भाई अगर 50 के ऊपर आपको कोई भी एसोसिएशन बनाना है तो वो क्या होना चाहिए कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए ऐसे ही आप नहीं बना सकते हो ऐसे ही आप नहीं बना सकते हो ऑफकोर्स इसके एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है एच ऑल्दो ऑल्डो एच में 50 से ज्यादा लोग होना है बड़ा मुश्किल का काम बट अगर है तो बना सकते हो ठीक है बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूट की होती है तो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम सी ए बनाते हैं तो बना सकते हैं समझ में आई बात है या ना ठीक है बस ये जनरल आइडिया देने के लिए था इसके बारे में हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दिस इज हार्ड ट्रस्ट दिस इज नॉट इन आर सिलेबस ठीक है बस मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया देने के लिए मैंने बोला है <laughs> ठीक है अब एक यहां पे सवाल आपको दिख रहा होगा पहला इलास्ट्रेशन हमारी बुक का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीज एक्ट आई 2013 में है ना अभी हमने बहुत डिटेल्स नहीं पढ़े हैं बट कंपनीज एक्ट आई कंपनीज एक्ट 2013 2013 में आई पर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी थी 1973 में तो क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगी हाँ या ना इतना इजी सवाल यार इस पे भी हाँ या ना नहीं आ रहा है बिल्कुल लगेगी हंड्रेड परसेंट लगेगी क्यों लगेगी क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन में क्या लिखा है कंपनी के डेफिनेशन में लिखा है कि आप इस एक्ट के अंदर बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ कहीं पे भी बनी हो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगी आपको इस कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी माना जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप जब 1973 में बनी थी तो आप जिस भी कंपनीज एक्ट के तहत बनी थी आपको कंपनीज एक्ट 2013 में भी कंपनी माना जाएगा और आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगी हंड्रेड परसेंट लगेगी ठीक है दूसरा एक और दिया है सिमिलर क्वेश्चन है एकदम सिमिलर एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन एंड ट्वेल्व अंडर द कंपनीज एक्ट 1882। क्या कंपनीज एक्ट लगेगी हाँ मैम ये है तो बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है जैसा बच्चों जैसा सवाल एग्जाम में आएगा भी नहीं पर पता तो होना चाहिए ना क्लियर है इतनी बात, इतनी है सबको अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा अभी हमने सबसे पहले अपने कोर्स स्ट्रक्चर को देखा था सो वॉज आर कोर्स है ना कि हमारे इंस्टीट्यूट में हमें कितनी चीजें पढ़नी है उसके बाद हमने क्या देखा कि लॉ क्या होता है लॉ की जरूरत क्या होती है लॉ बनता कैसे है एक सेंट्रल एक्ट कैसे बनती है, है ना उसके बाद हमने एक सेंट्रल एक्ट कमेंस की है विच इज कंपनीज एक्ट टू कंपनीज एक्ट टू क्यों आई है कंपनी जो एक फॉर्म ऑफ़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर उसको आप रन करते हो तो एक यूनिफॉर्म तरीके से उस फ्रॉम ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसके क्या फीचर्स होते हैं तो हमने बेसिक्स ऑफ कंपनी भी पढ़ा था और अब हमने क्या शुरू किया है बेसिक्स ऑफ कंपनी ठीक है चलो अब आते हैं शुरुआत से बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद विद्टर वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली विद ए चैप्टर चैप्टर वन प्रिलिमिनरी ठीक है हमारे कोर्स uh, का भी पहला चैप्टर और अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो उसका भी पहला चैप्टर लेट मी एक्चुअली टेक यू थ्रू दिख रहा है सबको ये क्या है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए ये हमारी लाइफ लाइन है इन लॉ क्लासेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एम सी ए की वेबसाइट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है आप जब फ्यूचर में प्रोफेशनल बनोगे द गुड पार्ट इज दैट एम सी ए डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि सी ए सी एस प्रोफेशनल्स जो हैं वही ये काम कर सकते हैं ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इवन वेन यू गोइंग टू प्रैक्टिस ठीक है तो अगर आप एक प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो ये आर ओ सी रिलेटेड वर्क जो होता है इट कैन फेच यू गुड रेम्यूनरेशन ठीक है तो ये आपके प्रोफेशनल जर्नी में भी बहुत हेल्प कर सकता है ये हमारी एम सी ए की वेबसाइट है हमारी कंपनी खुल जाए तो बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम दिस ऐसा मत सोचना कि मेरा नेट नहीं चल रहा है मैं क्लास ले रही हूँ लाइव देखो नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी अरे खुल जाए फिलहाल हम यहाँ खोलते हैं ना तो हमको पूरी पूरी ई बुक मिलती है आप घर पे खोल के देख लेना क्या पता किसी के फोन वोन में खुल भी गई हो अगर स्क्रॉल कर रहे हो ठीक है मूड नहीं है उसका हाँ वो भी मूड से काम करती है चलो खैर तो आपको इसमें क्या मिल जाएंगे चैप्टर वाइज अरे खुली 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 नहीं क्या खुली ये क्या है चलो मैं तब तक पानी पी लेती हूँ देख लेती हूं, अगर खुल जाएगी तो ठीक है और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे Cello, never mind. Although I have screenshots, but I don't want to sh actually show you that. ठीक है आप को चेक करना हो तो आप कभी भी चेक कर सकते हो खोल के देख सकते हो भाई एक्ट्स एंड रूल्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको ई बुक मिलती है कंपनीज एक्ट की पीडीएफ मत खोलना ठीक है पीडीएफ इज समथिंग विच इज नॉट एमेंडेड ठीक है तो यहाँ पे हम ई e बुक खोलते हैं तो ई e बुक में आपको लेफ्ट साइड पर क्या होगा सारे के सारे चैप्टर वाइज दिख जाएंगे चैप्टर वन प्रमिमिनरी आप उस पर जब टैप करोगे उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वन के सारे सेक्शन चैप्टर टू पर टैप किया उसके सारे सेक्शंस उस सेक्शन पर टैप करोगे तो आपको राइट साइड पर उस सेक्शन का पूरा का पूरा कंटेंट दिख जाता है ठीक है चलो हमारे काम की बहुत ज्यादा चीज नहीं है चैप्टर वन प्रिलिमिनरी जिसमें मात्र दो सेक्शन है सेक्शन वन और सेक्शन टू ठीक है सेक्शन वन में क्या आता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी है ना इस एक्ट को हम प्यार से क्या बुलाएंगे कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है यही लिखा है शॉर्ट टाइटल मतलब यही होता है शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट को क्या बुलाएंगे द कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है इसके बाद चैप्टर इंडेक्स शो मैम अभी तो चैप्टर का सारा बताया ना सेक्शन समरी यहाँ पे मैंने सिर्फ वही सेक्शंस डाले हैं जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में है इनमें स्टार लगा हुआ है जो सेक्शन नंबर मस्ट है याद करना उसके बाद एक रूल समरी आती है जो हर चैप्टर में आपको मिलेगी लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रूल्स उसमें भी मैं बताऊंगी कि कौन से रूल्स आपको याद करने हैं देर आर नॉट ऑल द रूल्स दैट यू हैव टू लर्न ये हमने ऑलरेडी देख लिया ठीक है बेसिक्स ऑफ कंपनी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं फिर कभी आपको बताऊंगी दिस इज समथिंग दैट यू नो बट आज के लिए बहुत क्या हो जाएगा एक ही टाइप का कंसेप्ट होता जाएगा इसलिए फिलहाल मैं नहीं बता रही हूं आपको बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट पे आते हैं तो इस कंपनीज एक्ट में हमारे फोर सेवेंटी सेक्शन है सेवन शेड्यूल्स हैंड इन टू ट्वेंटी पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ईच चैप्टर हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एक चैप्टर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो तीन सेट ऑफ रूल्स मिले ठीक है जैसे अगर हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स टू वो हमें साथ में पढ़ने हैं ठीक है अलॉन्ग सेक्शन नंबर्स एक्ट क्यों आई टू कंसोलिडेट एंड रिलेटिंग टू कंपनी होता ये सब, वो होती है जो याद करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है आपको याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है ऑलरे ये शायद आपको याद ही होगा पर फिर भी याद करने की जरूरत नहीं है कुछ और भी लिखा है मैंने यहां पे एक्स्ट्रा शॉट्स अथॉरिटीज अंडर द एक्ट ऑल दो ये एक्स्ट्रा शॉट्स करके लिखा है पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये की आप बात कर रहे हो कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट हर कदम पे आप देखोगे लिखा है कि इसके लिए रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लो ये फाइल करो को ये के पास जाओ, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये है कौन है ना तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आरओ क्या है आर को एमसीए का वो मंदिर समझ लो आप ट मंदिर. मंदिर हम, तो हम क्या, है क्या चढ़ा के आते हैं चढ़ावा कुछ चढ़ा के आते हैं ना दान पेटी होती है वहां डालते हैं नहीं तो धीरे से पंडित जी को दे देते हैं सब काम करते हैं ना वो हम क्या करते हैं घूस नहीं देते यार भगवान जी को घूस भाई शब्द तो सोच समझ के यूज करो प्रसाद भी मिलता है प्रसाद तो आर देगा पेनाल्टी के नोटिस और कुछ नहीं देता है तो आर के पास भी हम जब जाते हैं तो हमको कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता है ठीक है उसके बिना काम नहीं चलता है पर वो चढ़ावा श्रद्धा अनुसार नहीं होता है मंदिर में क्या होता है अपनी मर्जी से दस की श्रद्धा है दस चढ़ा दिया दस हजार की श्रद्धा है दस हजार चढ़ा दिया पर आर के सी ऐसा नहीं चलता है आर ने ना अपनी एक फिक्स्ड रेट कार्ड निकाल दिया है किस चीज के साथ आए हो जैसे होता है ना कभी शादी के बाद जाते हैं तो हमारा बजट थोड़ा हाई होता है शादी के बाद पहली बार बीवी को लेके गए हैं तो दस रुपए कैसे मंदिर में चढ़ा देंगे तो सौ का नोट निकलता है है ना तो ऐसे आर भी देखता है कि भाई आप किस पर्पज के लिए आयो आप कंपनी बनाने के लिए आयो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म जमा करने आयो इतने फीस के साथ आओ ये रेट कार्ड है ठीक है आप कंपनी ने बोला है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना है वो लेके आए हो ये रेट कार्ड है समझ रहे हो आप तो हर एक परपस का एक फीस है जो डिफाइंड है फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टू लर्न द फीस ठीक है हमको कहीं पे भी फीस याद करने की जरूरत नहीं है कहीं कहीं ऐसा भी है कि कुछ भी नहीं चढ़ाने की जरूरत है लिखा है निल। फीस क्या है यहां पे? निल है ठीक है तो बस हमें बैक ऑफ द माइंड ये याद रखना है कि हमारे पास एक रूल्स हैं जहां पे लिखा हुआ है एक रेड कार्ड जहां पे सबकी फीस प्रिस्क्राइब है कि इस पर्पस के लिए आए हो तो इस फीस के साथ आओ और ये काम ऐसे होगा ठीक है तो आर क्या है आर ओ सी इज कंपनीज मार्क माई वर्ड इट इज नॉट रजिस्टर ऑफ कंपनीज इट इज रजिस्ट्रार इट इज एन अथॉरिटी वे आर नॉट टॉकिंग डॉक्यूमेंट ठीक है ये कौन है एक अथॉरिटी है वो अथॉरिटी क्या करती है भाई कंपनी का सारा डेटा को रजिस्टर करती है नई कंपनी बनानी है उसके पास जाओ अब आइडियली होना क्या चाहिए अगर हम ऑफलाइन सेंटर्स की बात करें तो जगह जगह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिसेस होने चाहिए पूरे देश को आप अलग अलग जुरिस्टिक्शन में डिवाइड करते हो जैसे इनकम टैक्स होता है इनकम टैक्स में अलग अलग जुरिस्टिक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं आई टी ओ वर्ल्ड रेंज सब होता है तो वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए बट क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन चली गई हैं तो हमारे पास क्या है एक एमसीए पोर्टल हम सारी फाइलिंग वहीं करते हैं अब वो हमारे रिस्पेक्टिव आर के पास वो डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इस कंप्यूटर के पीछे कोई इंसान बैठा है उस इंसान के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है चेक कर रहा है ऑफ कोर्स यूजिंग द एआई टूल्स और उसके बाद वो क्या हो रहे हैं रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे हैं है ना है या ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होते हैं हर स्टेट्स में यूटीज में अलग अलग हमारी uh, किसी को पता है क्या देर आर टू स्टेट्स जिसमें एक से ज्यादा आर है किसी को पता है क्या ना ना एक तो आपने सही बोला चलो ये होमवर्क है रिसर्च करके आना ठीक है यूजअली हर स्टेट में एक आरोसी होता है हाँ आप लोग वैसे सही बोल रहे हो मेरे को दो आंसर सही मिल चुके हैं बट फिर बीच इसको नहीं पता है थोड़ा सा सोच के आना यूजअली हर आर हर स्टेट में क्या होता है एक आर ओ सी होता है और दो स्टेट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा भी आरोसी है ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर अगर आज मैं एक कंपनी खोलना चाहती हूँ मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश में एक कंपनी खोलना चाहती हूँ तो मैं एम सी ए की पोर्टल पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रिलेटेड फाइल कर दूंगी और वो डॉक्यूमेंट्स वो पोर्टल कहाँ भेजेगी आर ओ सी उत्तर प्रदेश को ठीक है और आर ओ सी उत्तर प्रदेश क्या करेंगे उसको रजिस्टर कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे उसके बाद एक कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी फाइलिंग होती है बहुत सारी चीजें हमें बताते रहना होता है ये भी बताओ वो भी बताओ वो भी बताओ तो वो सारी चीजें क्या होती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास चली जाती है ठीक है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्चुअली एंश्योर करता है कि कंपनीज एक्ट कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है आर के ऊपर एक अथॉरिटी आती है जिसको हम बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर वो रीजनल इंचार्ज होते हैं ठीक है ईच रीजन में हर एक रीजन में क्या होता है मान लो दो तीन स्टेट्स को मिला के एक रीजनल डायरेक्टर है तो ये रीजनल डायरेक्टर के अंदर कौन आ रहे हैं तीन चार आरोसी आ रहे हैं समझ रहे आप समझ में आई बात तो रीजनल डायरेक्टर क्या है इज इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन ये क्या काम करते हैं या आरोसी के को करते हैं बिल्कुल परफेक्ट है लाइक like सुपरवाइजर उसके बाद हमने देखा एनसीएलटी एनसीएलटी क्या है ये कोर्ट का रिप्लेसमेंट है जैसे हमें कुछ भी झगड़ा फसाद होता है तो हम क्या करते हैं कोर्ट के पास जाते हैं ना वैसे अगर कंपनीज एक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जुडिशियरी बॉडी कौन है एनसीएलटी है ठीक है एनसीएलटी है और भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं एन एक हम पढ़ेंगे एनसीएल हमको पढ़ना नहीं है एस हमको पढ़ना नहीं है फिलहाल ठीक है तो ये बात क्लियर है पक्का एमसीए का मंदिर कौन रीजनल डायरेक्टर नहीं गलत बोला मैंने आर ओ चलो बहुत अच्छी बात है ओके नाउ हियर वी कम टू सेक्शन नंबर वन कंपनीज एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस किस पे किस पे लगते हैं कंपनीज जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं या प्रीवियस कंपनी लॉ इसका मतलब जो सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी की डेफिनेशन में कवर हो रही हैं वही चीज तो लिखी है है ना वेरी गुड आई गेट योर आंसर्स उसके बाद आती है तीन स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज इंश्योरेंस बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ठीक है सबको पता है ये बहुत बेसिक है ये हम पढ़ चुके हैं है ना तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मान लो ये बोलता है कि तीन डायरेक्टर इट इज अ फिक्टिशियस एग्जाम्पल टू ओनली एक्सप्लेन यू मान लो ये बोलता है कि तीन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो और कंपनीज एक्ट बोलती है टू तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। ठीक है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज कंपनीज एक्ट क्या बोल रही है दो डायरेक्टर को अपॉइंट करो और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल रही है तीन डायरेक्टर को अपॉइंट करो फॉर द सेम पर्पस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बोला तीन डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट ने बोला दो डायरेक्टर्स हमारे पास एक कंपनी है व्हिच इज एक्सिस बैंक लिमिटेड ठीक है अब इसने कहा यार मैं तो कंपनी हूं ना तो मैं कंपनीज एक्ट की बात मानूंगा कि नहीं मानूंगा

क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी में क्लियरली एक बात लिखी है एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मतलब जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी आएगी वहां पे स्पेसिफिक एक्ट शैल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट है ना स्पेसिफिक एक्ट कौन सी है स्पेसिफिक एक्ट शेल्ड प्रिवेल स्पेसिफिक एक्ट कौन सी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंश्योरेंस या इडा इंश्योरेंस कंपनीज के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के केस में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यह हमारी क्या है स्पेसिफिक एक्ट हैं इनफैक्ट अगर आर का कोई सर्कुलर डायरेक्शन भी है फॉर बैंकिंग कंपनीज तो वो प्रिवेल करेगा यू गेट माई पॉइंट ठीक है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द कंपनीज इन अंडर दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस इंश्योरेंसो बैंकिंग कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्ड है इन सब पे अप्लाई करेगा पर हमको चीजों का ध्यान रखना है कि इनकं केस में हमेशा स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल ठीक है इसके अलावा इसके अलावा सच बॉडी कॉरपोरेट एज सी जी मे नोटिफाई सवाल ये उठता है कि मैम ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज है बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी क्या ये सेम सेम है क्या ये अलग अलग है मैं यहां पे क्या इज इक्वल टू लगाऊं या ऐसे फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला क्या सही है सेकेंड वाला सही है बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट एज गुड एज कंपनी क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज क्या ये सही है सही है बिल्कुल सही है नॉट वाइस एवरसा हाँ तो वही चीज हो गई ना ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक कंपनी बॉडी कॉरपोरेट होती है क्यों क्योंकि बॉडी कॉरपोरेट हम एक ऐसी एंटिटी को बोलते हैं जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं जरूरी नहीं है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो कोई एंटिटी अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है हम सिर्फ तभी उसे एक कंपनी बोलेंगे अंडर कंपनीज एक्ट हम क्या बोलते यार एल यार सी एक कंपनी है ऐसे बोल देते हैं ना क्या वो सच में एक कंपनी है द आंसर इज नो एल आई सी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इट इज नॉट अ कंपनी बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट समझ रहे हो आप मेरी बात वो बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है क्योंकि उसमें भी एल का तो मोट वो टैगलाइन ही है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है ना तो वो क्या कर रही है उसमें भी परपेचुअल सक्सेशन है वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है है ना उसमें भी कैपेसिटी टू सीओ बी सीओड हर एक फीचर है वो सारे फीचर्स जिस किसी भी एंटिटी में होते हैं उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है तो उसको हम कंपनी बोलते हैं जैसे एल एल पी एल एल पी इज नॉट अ कंपनी बट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि एल एल पी में भी ये सारे फीचर्स हैं पर वो एल एक्ट में रजिस्टर्ड है इसलिए वो एल एल पी है पर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो कंपनी बनने के लिए बॉडी कॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है ठीक है पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में ही आके रजिस्टर हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना जैसे एल एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आई है सेम द गोज़ फॉर आरबीआई ऑल्सो जो आप पूछ रहे हो ठीक है वो कंपनीज एक्ट के तहत नहीं आई है समझ गए क्लियर है कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में अच्छा अब दो ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट्स आपको याद रखने हैं जो सीजी ने नोटिफाई किए हैं जिसपे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या है पहला फोकस गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाटएवर वी आर रीडिंग एंड सेकंड एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट फोकस इज टू स्कोर गुड मार्क्स है ना क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने वाले हैं ठीक है पहला क्लास है तो बहुत सारी बातें जरूरी होती है टू डेवलप दैट फ्रेमवर्क एंड बैकग्राउंड आज आपका माइंड में क्या है बहुत सारी चीजें सेट हो गई है भले ही वो एग्जाम में काम नहीं आए पर आगे पूरी जर्नी में पढ़ने में बहुत चीजें काम आएंगी ठीक है क्या याद करना है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ सी आई एन एच ए आई चलो कम ऑन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऐसे लगेगा एक एमसी क्यों पूछ सकता है तो क्या बोलोगे लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने सच बॉडी कॉरपोरेट जो किसी और एक्ट में इनकॉरपोरेट हुई है पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि हाँ तुम्हारे ऊपर भी ये प्रोविजन लगेंगे ऐसी दो नोटिफाइड बॉडी कॉरपोरेट कौन सी हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो कंपनीज किस पे एक्ट किस पे लगेगा हर कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई और कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट कौन से नोटिफाई किया है सीजी ने कम ऑन एवरी वन रिपीट विद मी एफ सी आई एंड एनएचएआई एफ सी आई का फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एनएचएआई का फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलो बहुत अच्छी बात है okay. फाइनली आज हाँ बहुत अच्छी बात है आज अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन आज पिक कर रही हूं मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूं ठीक है बट सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ मेंच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो इट फॉर्म्स द बेस फॉर द रेस्ट ऑफ कंपनी लॉ ठीक है तो अब सब एकदम फोकस मेंटेन करो बिकॉज अब जो मैं पढ़ाने वाली हूं उससे एग्जाम में श्योर शॉर्ट चार नंबर पांच नंबर छह नंबर तक का भी क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है सबका फोकस है यहां पे क्लियर? कौन सी पीडीएफ शेयर करनी है द नोट्स हैव बीन शेयर्ड इफ यू हैवेंट गॉट द नोट्स तो आप प्लीज मेरे कॉन्टेक्ट कर लेना ठीक है आफ्टर द क्लास बी आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होगा इसलिए चलो क्या पढ़ने वाले हैं हम कौन कौन सी कंपनीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स नंबर के हिसाब से कौन कौन सी कंपनीज होती है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यस yes. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हमारे पास तीन तरीके की कंपनी होती है ऑल्सो एवरीथिंग इज देयर इन यूर नोट ऑल्सो यूल फाइंड इट ठीक है यहां पे आपको मिल जाएगा आपको चार्ट में वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी बट फिर भी जितनी चीजें मैं लिखती हूं या लिखवाती हूँ वो लिखते जाया करो इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू प्राइवेट पब्लिक एंड ओपीसी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम बताओ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दो दो सो टू हंड्रेड वेरी गुड पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने सेवन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कुछ नहीं बता रहे कोई लिमिट नहीं है क्या अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं एक करोड़ दो करोड़ एक सौ तीस करोड़ सारे भी हो सकते हैं पक्का अब आप बोल रहे हो तो मैं लिख देती हूं गलत मत बता देना मेरे को नो लिमिट अनलिमिटेड नंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी ओपीसी में क्या होता है यार ओपीसी का फुल फॉर्म समझ लो वन पर्सन कंपनी मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक, एक ही इंसान होता है आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट प्राइवेट है ना प्राइवेट कंपनी प्राइवेट में क्या आ रहा है मैं बार बार बोल रही हूं तो कुछ आ रहा है एट 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 प्राइवेट में क्या आता है एट टू क्लॉज सिक्सटी एट सेक्शन टू क्लॉज सिक्स एट विट कंपनी याद हुआ सेक्शन टू क्लॉज सिक्स एट याद रहेगा चल बहुत अच्छी बात है अब प्राइवेट कंपनी के बेसिक्स तो हमको पता चल गए कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू हंड्रेड होते हैं प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे पर फिर भी एमओए और एओ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्योंकि एक लीगल कंपनी बन रही है ना जैसे हम सबका एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है है ना वैसे ही कंपनी का क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है हम सबका किसका किसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है है कोई ऐसा ए हाथ मत उठा देना यार कोई सबका होगा है ना एवरी वन हैज अ बर्थ सर्टिफिकेट लाइक वाइज अरे कोई बोल रहा है कि मेरा नहीं है हे भाई बड़ा झोल है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर कंपनी के पास होता है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम कैसे ऑप्टेन करते हैं भाई बर्थ सर्टिफिकेट कैसे ऑप्टेन करते हैं नगर निगम जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ यहाँ पे बच्चा हुआ है है ना तो वैसे ही हम कंपनी जब रजिस्टर करते हैं तो आर हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जानकारी देनी पड़ती है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जानकारी देनी होती है ना मेल है फीमेल है मदर का नाम फादर का नाम वैसे ही कंपनी भी बनाने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है ये एमओ चार्टर बोलो या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो देता है कंपनी में कौन है कितने लोग हैं कहाँ की कंपनी है ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमको देता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या करता है वो भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि हम इसको चलाएंगे कैसे इंटरनल रूल्स ये क्या देता है इंटरनल रूल्स बताता है हमें ऑफ अ कंपनी फिलहाल इतनी नॉलेज काफी है ठीक अब एक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी बनाना है तो सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी एट बोलता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीन चीज डालो प्रोहिबिशन डालो रिस्ट्रिक्शन डालो और लिमिटेशन डालो क्या तीन चीज डालो प्रोहिबिशन डालो रिस्ट्रिक्शन डालो और लिमिटेशन डालो प्रोहिबिशन किस चीज का डालो मैं आपसे आज थोड़ा ज्यादा सवाल पूछ रही हूँ उसका रीजन ये है कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, राइट ऑफ कोर्स जब हम नई चीजें पढ़ेंगे तो मैं आपसे सवाल कम पूछूंगी बिकॉज़ मैं आपको बताऊंगी ज्यादा प्रोहिबिशन सबसे पहला सवाल है मेरा प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन इज नॉट ऑन ट्रांसफरिंग द शेयर्स प्रोहिबिशन इज ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स प्रोहिबिशन ऑन इन्वाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स मतलब क्या है मतलब एक प्राइवेट कंपनी में पब्लिक आके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं हम कभी भी पब्लिक को नहीं बोल सकते हैं कि आप आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो जिस दिन हमने पब्लिक को बोला उस दिन हमें उस कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना पड़ेगा तभी हम बोल सकते हैं क्या आपको पता है लेके चलती हूँ तब आपको शायद समझ में आएगा फ्लिपकार्ट पता है ना किसको किसको फ्लिपकार्ट पता है यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है देखो बहुत सारे लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे क्या फ्लिपकार्ट नहीं पता है बस हम तो हाथ उठाते नहीं है मैम हम इतने आलसी है ना कि फ्लिपकार्ट इंडिया फिलहाल मैं अभी एम और फॉरेन और ये सबसिडरी होल्डिंग इन सब में नहीं जाने वाले आज ऑर्डर आने वाला है फिलहाल बस इतना समझते हैं फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी ठीक है विश्वास होता है कि इतनी प्राइवेट कंपनी इतनी ह्यूज कवरेज लेके बैठी है हमें तो लगता है प्राइवेट कंपनी मतलब छोटी कंपनी पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी कंपनी है ना ये थोड़ा सा माइंडसेट होता है कि नहीं होता है क्या प्राइवेट कंपनी बड़ी नहीं हो सकती है बिल्कुल हो सकती है बस उसको ध्यान क्या रखना है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स आप नहीं रख सकते हो और आप कभी हमारे पास नहीं आ सकते हो जनता के पास आप नहीं जा सकते हम आए दिन सुनते हैं कि कोई कंपनी आईपीओ लेके आई है आईपीओ आई आई क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर मैं एक कंपनी खोली मान लो जो हमने स्टार्ट किया था मैंने और आदित्य ने मिलकर एक कंपनी खोली हमारी कंपनी में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ बहुत बड़ी बन गई हमारी कंपनी अभी जब मैं आपको पब्लिक ऑफर पढ़ाऊंगी ना जब हम उस पर जाएंगे तो मैं इनफैक्ट आपको अभिषेक बच्चन की एक क्लिप दिखाऊंगी कौन सी मूवी की है शायद आप सोच सकते हो अगर आपने वो मूवी देखी हो तो गुरु मूवी एक है आई विल शो यू दैट राइट जहां पे वो बोलते हैं कि भाई पैसे चाहिए कंपनी को बड़ा करने के लिए जब पैसे चाहिए कंपनी को बड़ा करने के लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे पैसे हम बैंक से जाके ले सकते हैं बैंक वाले नहीं देंगे तो कितना देंगे पैसे हम जाके जनता से भी मांग सकते हैं पर एक प्राइवेट कंपनी नहीं मांग सकती है प्राइवेट कंपनी में क्या है कंप्लीट प्रोहिबिशन है कि कभी भी आप पब्लिक को जाके नहीं बोल सकते हो कि हम पब्लिक ऑफर लाए हैं लो लो सौ तो रुपए में हमारा शेयर ले लो नहीं नेवर इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन अब यहां पे ये कीवर्ड होता है जो आपको ध्यान रखना है अगर ये एग्जाम में नहीं लिखोगे तो कभी नंबर नहीं मिलेंगे प्रोहिबिशन की जगह अगर कोई और वर्ड लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे समझ में आई बात समझ में आई बात प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स च बाई इट्स आर्टिकल्स प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी जब मैंने बोला सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स भी हो सकता है डिबेंचर्स भी हो सकता है बॉन्ड्स लाइकवाइज कोई भी सिक्योरिटीज हो सकती है ठीक है हमारे लेवल के लिए शेयर्स डिबेंचर्स ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है ठीक है समझ में आई बात ये पॉइंट क्लियर है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाई इट्स आर्टिकल्स प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी दूसरा पॉइंट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इसका मतलब क्या है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बताओ डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन अभी हम आ रहे हैं वही तो आ रहे हैं वही तो, तो हमें समझने की जरूरत है, मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में वो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती मतलब नहीं ला सकती कंप्लीट प्रोहिबिशन कंप्लीट बैन है रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड है जैसे आप कहीं मॉल में जाते हो और वहां लिखा रहता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है ना मतलब क्या है उस एरिया में हम नहीं जा सकते कोई जा सकता है समझ रहे हो आप सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन आप अगर स्टाफ हो तो आप वहां जा सकते हो बट प्रोहिबिशन है ऑन फोटोग्राफी मतलब हर किसी के लिए प्रोहिबिटेड है यू गेट माई पॉइंट अब रिस्ट्रिक्शन लिखा है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते मतलब क्या है मैम यार एक प्राइवेट पार्टी है मान लो ठीक है मैंने मान लो एक पार्टी थ्रो की या मेरी बात तो बहुत ही एकदम सिंपल सी लगेगी मान लेते हैं शाहरुख खान ने एक पार्टी थ्रो की ठीक है शाहरुख खान ने बुलाया आलिया भट्ट को आलिया भट्ट फॉर सम रीजन नहीं जा पा रही है मैंने कहा यार वो नहीं जा पा रही है कहीं से उसका पास सास मिल जाए और मैं चली जाती हूँ प्राइवेट पार्टी है क्या मैं जा सकती हूँ क्या करेंगे मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे नहीं जाने देंगे नहीं देखो कितने एकदम लाइन से बोलते जा रहे हो नहीं जा सकती मैम आप नहीं जा सकती आप नहीं जा सकती हो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक पब्लिक इवेंट है मान लो अरिजीत सिंह आए हुए हैं और वो यहाँ पे एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रहे हैं मैंने पास लिया था। और वो पास मतलब फॉर सम रीजन मैं यूज नहीं कर पाई ठीक है मैं नहीं जा पाई तो वो पास मैंने आपको दे दिया क्या आप जा सकते हो बिल्कुल जा सकते क्यों क्योंकि एक पब्लिक इवेंट है मतलब प्राइवेट कंपनी में वही एंटर कर पाएगा जिसकी जो एंटर करना जिसको परमिटेड हो दो फ्रेंड्स ए एंड बी दे बोथ हैव इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अब ए की बन गई है गर्लफ्रेंड ठीक है उसने कहा कि यार इसको भी शेयर्स दो तो क्या सोचेगा यार भाई भाई ने कंपनी बनाई अब लड़की आगे तोड़ेगी हो सकता है दे वुड वांट हो सकता है दे वुड नॉट वांट है ना ए ने बोला मैं तो अपने सारे शेयर्स इसको दे दूंगा तो क्या वो ऐसा कर सकता है क्या वो ऐसा कर सकता है द आंसर इज प्रोहिबिशन नहीं है ऐसा नहीं है कि वो एकदम नहीं कर सकता है कि शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे जिसके शेयर्स हैं उसी के पास रहेंगे दो लोग मेंबर बने दो लोगों ने कंपनी खोली इसने कहा दस शेयर मेरे दस शेयर तेरे बीस शेयर से हमने कंपनी खोली है अब ये दस शेयर मैं अपने पास ही रखूंगा लाइफ लॉन्ग और दस शेयर तुम अपने पास ही रखोगे अरे किसी को कुछ हो गया तो शेयर्स तो दूसरे के पास जाएंगे ना ट्रांसफर तो होंगे ही होंगे ना और हो सकता है मैं अपनी मर्जी से ट्रांसफर करना चाहूँ तो पॉसिबिलिटी है बट पॉसिबिलिटी कैसे होगी विद द कंसेंट ऑफ बी ठीक है विथ द कंसेंट ऑफ वॉट इज रिटर्न इन आर्टिकल्स तो कंडीशन लिखी रहती है तो रिस्ट्रिक्शन होता है प्रोहिबिशन नहीं होता है समझ में आई बात हा या ना सबको समझ में आई बात तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट कितनी है दो सौ अब सवाल पूछूंगी फटाफट से जवाब देते जाना ठीक है देर आर टू फिफ्टी मेंबर्स इन अ प्राइवेट Company out of which hundred members are joint holders, that is, hundred members holding shares together 50. left or other members 150 is the composition of like limit valid. कुछ बच्चे कैलकुलेटर वैलकुलेटर निकाल के बैठ गए चलो समझ में आया सिचुएशन समझ में आई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सिचुएशन समझ में आई कि क्या है टोटल हम बोल रहे हैं कि भाई ढाई सौ लोग हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं पर उसमें से सौ मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में ज्वाइंट होल्डर्स हैं एक इंपॉर्टेंट बात जो हम यहां पे स्टेब्लिश करते हैं वो ये है कि ज्वाइंट होल्डर्स आर गोइंग टू बी काउंटेड एज वन मतलब ए और बी ने अगर मिलके कोई शेयर होल्ड किया है तो वो एक ही मेंबर कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे एक ही मेंबर कहलाएंगे तो यहां पे अगर सौ मेंबर्स ज्वाइंट होल्डर्स हैं तो आइडियली वो दो 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 दो, -दो की हमने बात की तो आइडियली हमारे पास सिर्फ पचास मेंबर्स हैं ठीक है ठीके? तो इसमें से सौ हटा दो तो कितने हुए डेढ़ सो और पचास ऐड कर दो है ना तो टोटल मेंबर्स कितने हुए हमारे पास टोटल मेंबर्स 200 हुए अब ये बताओ 200 वैलिड है या इनवैलिड हो जाता है इज इट 200 और मोर और इज इट टिल 200 ऊपर लिखा था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200 तो 200 की ये जो लिमिट हुई ये फिर वैलिड हुआ ये केस हमारा वैलिड है ये एकदम एक प्राइवेट कंपनी रह सकती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है आप बिल्कुल जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ज्वाइंट होल्डर्स आर गोइंग टू बी काउंटेड एज वन ओनली ठीक है एक और एक्सेप्शन है जनरल लिमिट हमने देख ली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक कंपनी में एक प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं पर इसकी एक एक्सेप्शन है इसका एक्सेप्शन क्या है कि इसमें हम इंप्लॉइज को काउंट नहीं करते हैं है ना कौन से इंप्लॉयज हमारे प्रेजेंट इंप्लॉयज और हमारे पास्ट इंप्लॉयज को भी हम काउंट नहीं करते हैं मतलब आप हमारे साथ कंपनी के साथ जुड़े हुए थे हमने आपको शेयर्स इशू किए और उसके बाद अब आप कंपनी छोड़ के चले गए तो भी हम आपको काउंट नहीं करेंगे ठीक है मतलब मैम थोड़ा सा समझ में कमाया आया अ कंपनी ए बी सी Private Limited has hundred members and wishes to allot shares to two hundred employees. Is it contravention of Section Two Clause? एट चल बताओ क्या ये कॉन्ट्रावेंशन है या ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है आइडियली एक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह सकती है टू हंड्रेड है ना टू हंड्रेड ही हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और सौ मेंबर्स तो ऑलरेडी हैं अब आप दो सौ और इंप्लॉइज को करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे 300 पर इस 200 की लिमिट को काउंट करने में हम इनको काउंट नहीं करेंगे इंप्लॉयज आर एक्सक्लूडेड इंप्लॉयज को एक्सक्लूड करो मतलब फॉर काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200 हंड्रेड मेंबर्स वी ओनली चेक द मेंबर्स विच इज हंड्रेड तो ये हंड्रेड तो दो सौ की लिमिट के अंदर अंदर आ रहा है तो यहां पे कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन नहीं है यहां पे शुरू होता है बच्चों का कंफ्यूशन क्या कंफ्यूजन गेट डिविडेंट डिविडेंड देती है ना कंपनी अपने प्रॉफिट्स बांटती है उसको डिविडेंट बोलते हैं किसको डिविडेंट मिलेगा तीन सौ मेंबर्स को मिलेगा या फिर दो सौ मेंबर्स को मिलेगा या फिर वो जो सौ मेंबर्स थे उनको मिलेगा किसको मिलेगा डिविडेंड देखो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है मेरे को वो एम्प्लॉय शेयर्स लेंगे क्यों सबको डिविडेंड मिलेगा दूसरा सवाल हु विल गेट राइट टू वोट राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग किसको मिलेगा वोटिंग का अधिकार तीन सौ को मिलेगा दो सौ को मिलेगा या सौ को मिलेगा अब देखो यहां पे फिर कंफ्यूजन है सबको मिलेगा एम्प्लॉइज को शेयर्स मिले हैं मतलब वो कंपनी के मेंबर्स हैं दे विल गेट द राइट टू वोट दे गेट द राइट टू डिविडेंड उनका नाम रजिस्टर भी लिखा रहेगा ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं लिखा रहेगा कि वो तो यार members नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ हम दो सौ की लिमिट में कम्प्यूट नहीं करते हैं तो ये एक बेनिफिट दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी को कि भाई प्राइवेट कंपनी आप अपने इंप्लॉइज को और इंसेंटिव देने के लिए किसी भी पर्पज के लिए अगर प्रमोट करना चाहते हो और आप उनको शेयर इशू करना चाहते हो तो आप करिए आपके ऊपर हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि आप 200 ही कर सकते हो यार हो सकता है आपने 100 रखे हुए हैं तो फिर आप सारे को देना चाहते हो क्योंकि उनके अंदर हम इक्विटी पार्टिसिपेशन का इंसेंटिव देना चाहते हैं समझ आप दे आर ऑल नोन पीपल दिस इज नॉट मेकिंग पब्लिक ऑफर सो दिस इज एन एडवांटेज हैज बीन गिवन टू पब्लिक प्राइवेट कंपनीज जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो मेंबर्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे हाँ या ना हाँ या ना बिल्कुल कहलाएंगे समझ में आई बात ठीक है तो ये बहुत कंफ्यूजन uh, होता है बच्चों के मन में इसको प्लीज निकाल देना ओके सो लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस अगेन Private company means a company which, by its articles, restricts the right to transfer its shares, limits the number of members to 200, provided that where two or more persons hold the shares in the company jointly, they shall be treated as a single member.

ंड्रेड लिमिट द नंबर ऑफ मेंंड्रेड सिर्फ इस लिमिट को कंप्यूट करने के लिए ये एक्सेप्शन है समझ में आई बात पक्का ठीक है अब यहां पे मैम एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी क्यों लिखा हुआ है हम तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पे एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी लिखने का सेंस क्या बनता है ओपीसी क्या होती है ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली. ओपीसी भी तो प्राइवेट ही होती है ओपीसी पब्लिक कंपनी कभी नहीं हो सकती है ठीक है सो ओपीसी इज़ टाइप ऑफ़ प्राइवेट कंपनी सम स्पेशल फीचर्स. ठीक है हाँ बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होता है इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन विच हैव बीन लेड ठीक है इंप्लॉय को अगर कर ट्रांसफर करना है तो भी चल ठीक है ओके okay. अब 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 कुछ और लिखा है भाई यहां पे वो क्या लिखा है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब जहां पे भी लिखा है मतलब एमसीए ने कोई रूल बनाया होगा और रूल बता के हमको ये अमाउंट बताया होगा ठीक है ना नहीं नहीं ओपीसी में तो एक इंसान की लिमिट है ओपीसी में टू हंड्रेड की लिमिट थोड़ी ना ओपीसी में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर भी वन ही है तो ओपीसी में ये टू हंड्रेड की लिमिट नहीं लगेगी इसीलिए वहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है ठीक है ना हर प्राइवेट कंपनी अपार्ट फ्रॉम ओपीसी में टू हंड्रेड की लिमिट है ओपीसी में तो लिमिट एक ही है मिनिमम भी एक मैक्सिमम भी एक अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है अप शेयर कैपिटल क्या होता है अगर हम एक प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं जो पहली पहली आपने अकाउंट्स जब पढ़ना शुरू किया होगा राम स्टार्टेड बिजनेस ऐसा कुछ किया होगा ना विद कैश रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फिर हमने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या टू राम्स कैपिटल ऐसा करके कुछ है ना ये तो याद हो गया यार ये तो वो पहले प्यार की तरह हो गया है ना तो ये क्या होता है हमारा या यहाँ पे आप लिखते हो प्रोपराइटर्स कैपिटल नो yes पार्टनर्स no? जब आते हैं तो हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल नो मतलब ये वो वो पैसा है जो बिजनेस में लेके आए हैं जिसको हम कैपिटल कहते हैं वैसे ही कंपनीज के केस में होता है शेयर कैपिटल वो वो पैसा जो मेंबर्स लेके आए हैं है ना और इन टर्न हम कंपनी के शेयर्स उनको इश्यू करते हैं एक रिसीट ही तो होती है शेयर आपने दस हजार रुपए हमें दिया है दस हजार की हमने आपको रिसीट दी है शेयर सर्टिफिकेट दिया है दस हजार आपने दिया दस हजार के शेयर्स आपके पास हैं दस शेयर बीस शेयर जो भी अभी हम डिनोमिनेशन वगैरह आगे पढ़ेंगे है ना तो पेड अप शेयर कैपिटल वो होता है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम इतना कैपिटल आपको लाना पड़ेगा तब आप एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल था एक लाख रुपए पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल था पांच लाख रुपए आज क्या है एनी आज क्या है कुछ नहीं है नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड पांच सौ एक रुपए कोई बोल रहा है कहां से लाते हो अच्छा आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ और पढ़ा है तो कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है ठीक है बट हम ऑब्वियसली फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता कुछ प्रिस्क्राइब हो जाए समझ रहे आप तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा समअप करें तो क्या होगा कंफ्यूजन 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 एक क्वेश्चन आया है मेरे पास मैं रीड करती हूं आप लोग बताओ मुझे प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करवा सकती तो अपोलो टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स मार्केट में ट्रेड कैसे हो रहे हैं बताओ कोई इसका आंसर दे सकता है मुझे एक सवाल अब आपसे मैं पूछती हूँ कुछ सवाल पूछती हूँ ठीक है ये मेरा पहला सवाल और ये मेरा दूसरा सवाल ठीक है ये मेरा तीसरा सवाल पहला सवाल क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है यस और नो कैन अ प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड कुछ बच्चे बोल रहे हैं येस कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें पढ़ाई एक लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होता है जिसके शेयर्स लिस्टेड हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे कोई भी आके खरीद सकता है और कोई भी आके बेच सकता है मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड हो रहे हैं तो क्या प्राइवेट तो कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं द आंसर इज बिग नो नहीं हो सकते मैम बिल्कुल नहीं हो सकते क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक में ट्रेड हो सकते हैं द आंसर इज नो no. पर, पर, पर. सेबी आईसीडीआर के एक रेगुलेशन में परमिटेड है कि प्राइवेट कंपनी की डेट सिक्योरिटीज में ऐसा हो सकता है ठीक है course that is not permitted for the main platform. अभी आप जब धीरे 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 मार्केट की तरफ भी बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक आईजीपी करके भी प्लेटफॉर्म होता है मेन बोर्ड होता है SME होता है आईजीपी होता है मतलब इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं और उनको क्या चाहिए एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए है ना उनको अपनी कंपनी में पैसे लगाने वाले लोग चाहिए तो हमने पब्लिक प्रोहिबिशन कर दिया हमने कहा कि लिस्टेड नहीं हो सकते तो उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है जहां पे आप ऐसे टाइप के फंडिंग को रेस कर सकते हो ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा वो नॉलेज है बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती है इन जनरल पर उसके डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड हो सकती है परमिटेड है पर कंपनीज एक्ट के अंदर अ प्राइवेट कंपनी के नॉट बी लिस्टेड क्यों क्योंकि अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन टू क्लॉज फिफ्टी टू में एक लिस्टेड कंपनी की तब आपको यह बात एकदम क्लियर हो जाएगी ठीक है तो सबसे पहली बात प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती इसकी कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती है ठीक है सफिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या होता है सफिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी मतलब कंपनी का नाम हर प्राइवेट कंपनी के, के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा अभी हमने अनलिमिटेड की बात नहीं की है तो हम प्राइवेट लिमिटेड समझते हैं ठीक है हर कंपनी हर प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड कभी भी मैं आपसे बोलूं जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जब मैंने आपसे बोला तो आपको समझ में आया ना कि ये क्या है एक प्राइवेट कंपनी है है ना समझ में आया कि नहीं आया तीसरी बात कैन नेम ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम भी डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ठीक है रिलायंस की भी अगर हम बात करें तो रिलायंस रिलायंस ट्रेंड्स है? रिलायंस स्मार्ट सुना है क्या इनकी कंपनी का नाम है आंसर इज नो कंपनी का नाम नहीं है तो कंपनी का नाम क्या है वो अलग बात है ठीक है और ब्रांड नेम अलग हो सकता है जो कंपनी का नाम हम सुनते हैं वो अलग हो सकता है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम जब हम ऑडिटर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो पी डब्ल्यू सी है या डेलॉइट है भाई कोई कोई कंपनी कहीं दिखती है तो मैम जब कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती तो ये कैसे ऑडिटर बनते हैं तो इन सब का जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा कमिंग बैक टू योर अपोलो टायर्स क्वेश्चन अपोलो टायर्स प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेडिंग नहीं हो सकती है दिस इज फॉर श्योर ठीक है अपोलो टायर्स प्राइवेट लिमिटेड अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर्स या उसका आईपीओ कभी भी नहीं आ सकता है दिस इज कंप्लीट प्रोहिबिशन चेक योर फैक्ट्स ठीक है समझ में आई सबको बात क्लियर है मैंने ना लास्ट में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ठीक है कुछ ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हम सबको पता होता है थोड़ा सा ऐसे रखती हूं अब बताओ ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है क्यों क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड लिखा है प्राइवेट नहीं लिखा है सो इट्स अ पब्लिक कंपनी ठीक है ऑब्वियसली ये लिस्टेड है और ये एक एमएनसी है एमएनसी का मतलब क्या होता है मल्टीनेशनल एक नेशन से ज्यादा नेशन में ऑपरेट या काम करने वाली कंपनी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल समझ में आई बात एक नेशन से ज्यादा नेशन में ऑपरेट करने वाली कंपनी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल का मतलब यह नहीं है कि कोई बाहर की कंपनी होगी वो इंडिया में आ का, काम कर रही है तो वो मल्टीनेशनल है इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी भी अगर बाहर के नेशन में काम कर रही है तो भी वो एमएनसी हुई समझ में आई बात इसका हमारे कोर्स करिकुलम से कोई लेना देना नहीं है दिस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ठीक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है अगला आते हैं हम एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड ये क्या है भाई ये पब्लिक कंपनी है और साथ साथ ये एक कौन सी कंपनी है अरे बोलो यार कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या ये क्या है बैंकिंग कंपनी है हाँ। चलो अब थोड़ा दिखा कि एक्टिव हो अब आते हैं हम टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये क्या है इंश्योरेंस कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है है कि नहीं है समझ में आ रही है ना बात और इसके मोर देन फिफ्टी वन परसेंट शेयर आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कंपनी भी हो जाती है ठीक है अभी हमने ये सब पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको इतनी चीजें बता नहीं रही हूं बट हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं हमारे पास पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी है रिलायंस फाउंडेशन है ये एक सेक्शन एट कंपनी है सेक्शन एट कंपनी पता तो होगा ना आप लोगों को भले ही अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट यू नो अबाउट इट राइट नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव जो चैरिटेबल पर्पज के लिए चलती है वो सेक्शन एट कंपनी है ठीक है तो बहुत सारे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं और जब आप सारी डेफिनेशन्स पढ़ लोगे ना तो यू विल हैव इमेंस क्लैरिटी मेरा पर्पस ये है ही नहीं, नहीं तो मैं ये डेफिनेशन आपको पाँच मिनट में पढ़ा देती और आगे बढ़ जाती ठीक है तो मुझे पता है कि ऐसी चीज़ों में इनिशियल फेज़ में बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है सी एम टेकिंग आ, फुल टाइम कि मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलूँ बाद में आपको चीज़ों में कन्फ्यूजन कम होगा स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती है ना कहीं ना कहीं ठीक है चलो टाटा का भी जो फाउंडेशन वाली कंपनी है डाटा सेक्शन एट राइट ओके एवरीवन चलो हम्म अब यहां पे दो इलास्ट्रेशन है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी विद वाइड कवरेज एंड हाई टर्नओवर तो क्या इसको पब्लिक कंपनी बना लेना चाहिए या ये एक प्राइवेट कंपनी ही रह सकती है बोलो फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट रह सकती है इसमें क्या प्रॉब्लम है आप कितने भी हाई टर्नओवर पे जाओ कहीं टर्नओवर की लिमिट लिखी है क्या कहीं नहीं लिखी है हमने क्या देखा प्रोहिबिशन देखा रिस्ट्रिक्शन देखा लिमिटेशन देखा प्रोहिबिशन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स बस यही तीन चीज हमने देखी और कुछ हमने नहीं देखा है इसके अंदर अगर आप ऑपरेट कर सकते हो तो आप एकदम आराम से प्राइवेट कंपनी रहिए नो प्रॉब्लम है ना दूसरा एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें टू हंड्रेड एंड टेन मेंबर्स हैं जिसमें टेन है इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी इसमें से पांच लोग इंप्लॉयमेंट छोड़ देते हैं कंपनी का क्या अभी भी एक प्राइवेट कंपनी रह सकती है सीरम इंस्टीट्यूट इज अ वेरी गुड एग्जांपल

आज की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें हमें क्वेश्चन करना है मैं अगली क्लास में सबसे पहले एक आंसर राइटिंग मतलब एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी आई हैवेंट श्यो द क्वेश्चन बैंक विद यू आई थिंक सो ट्वेल्थ श्योर और सबसे पहला हम काम यही करेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना है ताकि आप अच्छे से मेरे साथ लिख सको यू डोंट हैव टू फे दी वर्ड्स ओके तो क्या है हमारी सबसे पहले बताओ कि सेक्शन नंबर कौन सा है सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी एट है ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं टू क्या दो से कम में एक प्राइवेट कंपनी बन सकती है नहीं बन सकती है पर फिर वो ओपीसी बनानी पड़ेगी है ना अदर देन ओपीसी यू कैन नॉट फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी विद लेस देन टू मेंबर्स तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट टू है मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना चाहिए कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है है ना तो कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होने चाहिए टू हंड्रेड है ना अब एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में विच अ प्राइवेट कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स प्रोहिबिट क्या करती है इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स लिमिट्स लिमिट मतलब लिमिट limit लगाना लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी ठीक है अब ये लिमिट के कुछ एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड भी अभी बताऊंगी अभी मैं पढ़ रही हूं बस प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स हु होल्ड द शर्स ज्वाइंटली विल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर दूसरा दूसरा एक्सेप्शन क्या है द इंप्लॉयज और कौन किसको नहीं काउंट करते हैं हम जो करेंट इंप्लाइज हैं एंड द और इम्प्लॉय हुन सी दर्सनवर फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट आर नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ टू प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉयज को हम काउंट नहीं करते हैं इन द लिमिट ऑफ टू हंड्रेड मिनिमम अप कैपिटल को भी यहां से इसीलिए हटा के रूल्स में डाला गया है बिकॉज इट इज इजियर टू एमेंड कभी भी लेके आया जा सकता है समझ में आई बात कभी भी अगर शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो बाकी वो कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं वो बाकी शेयर होल्डर्स से डिस्कशन होता है उसके बाद ही ट्रांसफरेबिलिटी होती है इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ठीक है प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिशन कंप्लीट प्रोहिबिशन है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है आई होप दिस इज क्लियर डेफिनेशन क्लियर है बहुत अच्छी बात है आज का ये क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं फॉर सिंपल रीजन भैया आज पहला क्लास है मैंने बहुत ज्यादा कंसेप्ट आज, आज आपको नहीं कराए हैं एक ही कंसेप्ट मेन कंसेप्ट कराया जिसपे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं राइट दैट इज प्राइवेट कंपनी आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज रिवाइज दिस थरली आज राइटिंग के लिए कोई भी आपका होमवर्क नहीं है वेन बी बिगिन द नेक्स्ट क्लास देन वी विल स्टार्ट विद आंसर राइटिंग राइट आई होप इट्स क्लियर एवरी वन ओके